अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज रोहान अरशद। आप सभी को एक प्याली चाय विद रोहान के शो में खुशामदीद, को स्पॉन्सर्ड बाय एमएच व्हाइटनिंग क्रीम। तो आज हमारे शो के पहले शख्सियत है जिसका नाम है इमरान खान इम्मी, जो मेरे एक अजीज दोस्त है, खास दोस्त है यूट्यूब इंडस्ट्री में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बॉन्ड बहुत बेहतरीन है। तो गाइज मैं उनके सामने आज ऐसे क्वेश्चन रखने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मेरे नहीं होते, आप लोगों के है। और ये शो अनस्क्रिप्टेड रहेगा, नो फिल्टर रहेगा, जो भी रहेगा, वन मैन आर्मी इमरान भाई रहेंगे। तो ये है हमारे इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहान अरशद का जो आज मेरे को अपने शो पे बुलाए, और उससे ज्यादा स्पेशल फील मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इनका इस शो का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें उन्होंने मेरे को बुलाया डायरेक्टली। तो मेरे को खुशी हुई कि फर्स्ट एपिसोड में मैं हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो इमरान भाई, तो आप मेरे शो के पहले गेस्ट है, तो आप मतलब मेरे आप बहुत बड़े खास दोस्त है YouTube इंडस्ट्री में, तो मैं आपका खास हूँ नहीं हूँ ये मेरे को नहीं मालूम, पर मैं आप तो मेरे बहुत खास दोस्त है। तो दोस्ती एक तरफ है, और ये जो स्क्रीन के सामने जो मैं आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, ना मैं आज आपका दोस्त हूँ, ना मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं एक फैन भी बन के इंटरव्यू कर रहा हूँ, दुश्मन बन के भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, रूहान अरशद बन के भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, व्यूवर बन के भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं पब्लिक, वो भी एक हेटर बन के भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आप जो भी पूछ रहे सच सच बोलना है मेरे शो में, और जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा का मसला है। देखो तो ये रोहान एक चाय विद रोहान नहीं है, आपकी अदालत विद रोहान है। और रही बात अपनी दोस्ती की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में हाँ ये बॉन्ड है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती, कनेक्शन दो तरफ से रहता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोस्ती अब से नहीं बहुत पहले से है, और ये दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश भी करे लेकिन टूटी ना कभी टूटेंगे। सात नस्ल एक साथ आना पड़ता इंशाल्लाह दावतों में। वेल तो इमरान भाई आप मतलब कौन से स्कूल में पढ़े इमरान भाई? मैं मौलाना आजाद मेमोरियल हाई स्कूल जो कि मां सप्तांग एसी गार्ड्स में है, वहां पर इसमें पढ़ा, और मेरी फैमिली के सब लोग, और वहीं से मेरी पढ़ाई पूरी हुई स्कूलिंग। अच्छा अच्छा, इंटर भी वहां पे ही हुआ क्या? इंटर मेरा प्रगति कॉलेज से हुआ जो कि आबिट्स पे है, वहीं से मैं इंटर एंड डिग्री वहीं से करा हुआ। तो इमरान में तुम्हारा बचपना कहां से गुजरा? आप तो फिलहाल अभी एसी गार्ड में रह रहे हैं, तो अभी राइट नाउ तो अभी एसी गार्ड में आप पहले बचपना मतलब आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? पैदाइश ही इसी गार्ड में, अभी वहीं बड़ा हुआ, वहीं खेला, वहीं कूदा करा, वहीं बड़ा हुआ समझो, आज भी वहीं रहता हूँ मैं, और पैदाइश ही इसी गार्ड से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह इमरान भाई, आप मेरे इतने अजीज दोस्त है इमरान भाई, आपसे क्या क्वेश्चन करूँ बल्कि 10 बार सोचना पड़ रहा, पर मैं नहीं शर्मा तो इमरान भाई, ये इंटरव्यू हों दो या ना रहे दो, अपनी बॉन्डिंग तो वैसी रहती मेरे को, और आप पे और अल्लाह पे भरोसा है। बेशक बेशक। और इमरान भाई, पब्लिक का एक ऐसा क्वेश्चन है पब्लिक का कि स्वाति मंडल कौन है? पब्लिक का है, आपका है, पब्लिक का भी है। मैं बोला ना, मैं आपको एक क्वेश्चनर बन के भी सवाल करने वाला हूँ, इंटरव्यू लेने वाला भी बनने वाला हूँ, हर चीज बन के आपका क्वेश्चन। स्वाति मंडल मेरी को एक्ट्रेस है, हम दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करते, साथ में एक्टिंग करते, अच्छी दोस्त भी है मेरी, तो वो हिसाब से हम लोग एक बॉन्ड अच्छा दिखता हम लोग का पब्लिक को, तो वो जैसे लोग है कुछ भी बोलते, कोई भी कुछ भी कहानी बना देता, स्क्रीन के पीछे कहानी किसी को मालूम नहीं रहती, तो बस हम लोग का ऑन स्क्रीन एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग रखते, इसलिए लोगों को दिखता कि ये मतलब कोई भी कुछ भी रूमर्स फैला देते। अच्छा अच्छा, आपकी स्वाति मंडल की दोस्ती कैसा हुई फिर? मेरी स्वाति मंडल की दोस्ती बहुत पहले से 2017-18 से है, यहाँ तक कि शायद कोई भी यूट्यूबर स्वाति से कांटेक्ट में नहीं था जब से मैं स्वाति से कांटेक्ट में हूँ, तो पहले हम लोग की दोस्ती भी थी 2017-18 के टाइम पे, उसके बाद हम लोग ऐसे ही नॉर्मली सिर्फ ऑनलाइन बात कर लेते थे, मुलाकात नहीं होती थी, तो ऐसा दोस्ती भी उसके बाद फिर रिसेंटली हम लोग साथ में वीडियोज बनाना शुरू करे। अच्छा बस ये है ना भाई, पब्लिक ये था, देखो स्वाति मंडल कौन है, भाई के को एक्टर है, आप लोग लिंक को लगा दो, भाई भाई की शादी होने वाली है, सलमान खान नहीं बनते, इमरान खान है ये, सलमान खान नहीं होते, सलमान भाई तो शादी नहीं कर लेके पछता रहे आज, इमरान भाई 2 महीने के अंदर बोलो ऐसा है इमरान भाई। तो इमरान भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके साथ, आप शहबाज भाई के साथ काम करना कहीं को छोड़ दिए? शहबाज खान के साथ काम करना मैं 2020 में करा, रोका,
क्योंकि हम लोग की अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, अच्छा काम करते थे. ही इज अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एक कंप्लीट पैकेज है उनके अंदर. और बहुत अच्छा साथ में काम करते थे हम लोग, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को देख के सीखे करे और अच्छी बॉन्डिंग थी. बस काम नहीं करने का रीजन बस यही है कि कुछ रहते कुछ चीजें जो लोगों के बीच में कुछ ज्यादा लोग आ जाते हैं, यहाँ के बाद वहाँ, ऐसे ऐसे चीजों में हर किसी की बॉन्डिंग खराब होती. तो मेरा भी कुछ ऐसी है समझिए, मेरा और शहबाज भाई का, कि कुछ दूसरे लोगों की वजह से हम दोनों का खराब हो गया. अच्छा अच्छा क्या आप नाम बता सकते हो उन लोगों का? बोलो नाम है आपको भाई, बोलिए खुल के. नहीं ऐसा है, देखो भाई कोई एक पर्टिकुलर मेंबर नहीं है, कोई इंसान नहीं है कि उन्हें उसकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ हम लोग के भी चीजें हैं, कुछ हम लोग के भी चीजों की वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हुए. ऐसा मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ कि वो नहीं करा बोल के हम लोग की दोस्ती खराब हुई, ऐसा तो कुछ नहीं है. कुछ गलतियां मेरे है, कुछ गलतियां शहबाज खान के है, कुछ उन्होंने गलती करे, कुछ मैं करा, तो वो गलतियां और नहीं होना बोल के हम लोग वहां का वहीं रोक दिए काम वाम. हम लोग क्या, मैं मेरी तरफ से मैं स्टेप बैक कर लिया, नहीं तो अच्छा चलता था, हर चीज अच्छी होती थी. बस कुछ थोड़े थोड़े चीजें हैं जो बोल नहीं सकता तो मैं बोल रहा नहीं. पर आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन थी भाई. जब मैं देखा था आप लोगों को फर्स्ट टाइम मुलाकात करा था, और मैं आप लोगों के वीडियोस भी देखता था जब मैं फेमस नहीं था, मतलब जब मैं फेमस होने के बाद शहबाज भाई की दावत भी हुई थी, शादी हुई थी, तो उस वक्त आपको गोद में उठा के गोल पी रहे थे. आज भी याद है 2019 की बात, मेरे को था वलीमा. हाँ, वलीमे के दिन आप रेड कलर का मेरून कलर का कुछ ऐसा सूट पहने थे. बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग थी, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई या अल्लाह बेहतर जानता वो. क्योंकि मैं एक क्वेश्चनर भी हूँ आज, रूहान अर्शद भी हूँ आज, हेटर भी हूँ आज, फैन बन के भी पूछ रहा हूँ आपके साथ. तो ये क्वेश्चन था, मैं मतलब मेरे को ये पूछना था बोल के नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस पब्लिक के क्वेश्चन भी यही है तो ऐसा पूछ रहा हूँ. तो इमरान भाई आप सिंगल है? यस सिंगल हूँ मैं. प्रूफ बताओ. प्रूफ क्या बताओ भाई, आधार कार्ड दे गया, मेरे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास. तो इमरान भाई मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए आप. ये मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था जी, तो पब्लिक क्वेश्चंस पूछी थी, तो एक तो आप बोल दिए, फिर भी मैं पूछने वाला हूँ. एक सैयद रबिया खादरी का क्वेश्चन है, आपकी एज क्या है? मेरी एज 28. हैदराबादी गर्ल का एक क्वेश्चन है, स्वाति से रसम हो गया बोलकर सुनी मैं, सही है या नहीं? अरे कौन बोलते भाई आप लोग ये बात, स्वाति से रसम हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, कुछ रसम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. और स्वाति भी सिंगल ही है, मैं भी सिंगल ही हूँ. क्या बात है, क्या इमरान खान इम्मी की गर्लफ्रेंड स्वाति मंडल है? खाली एज क्वेश्चन से स्वाति मंडल, स्वाति मंडल, स्वाति मंडल. तो जान दो, एक क्वेश्चन को अपन साइड कर देंगे. एक क्वेश्चन है भाई, मोहम्मद ऑफिशियल _7, रूहान अर्शद आस्किंग क्वेश्चन टू इमरान, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रूहान अर्शद फॉर क्विटिंग रैप इंडस्ट्री? ये तो बहुत अच्छा सवाल है. जब रूहान पहली बार ये मेरे को न्यूज सुनाए थे कि भाई मैं सब छोड़ रहा हूँ, तो वो टाइम पे मैं भी उनको एक ही बात पूछा कि भाई क्या रीजन है छोड़ने का. तो उन्होंने मेरे को बोले कि भाई ऐसा कुछ है, पर्सनल है, बोल सकता हूँ मैं वो? भाई पूछिए, बोलिए. तो रूहान मेरे को बोले थे उस दिन कि भाई मेरा दिल बोल रहा है ये चीज रोकना, छोड़ना, क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं काफी दिन से खुश नहीं रह रहा हूँ, मैं बीमार बीमार हो जा रहा हूँ और मेरे को कोई चीज में दिल नहीं लग रहा. वो वजह से मैं ये फैसला लिया कि म्यूजिक बंद कर देता हूँ. तो मेरा दूसरा जवाब, दूसरी बात मेरी यही थी कि भाई तुम जो भी सोच रहे अच्छा सोच रहे, बस आप अपने आप से अगर मतलब कंफर्टेबल है ये चीज में, खुश है, तो बिल्कुल छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ. ये बात मैं भी बोला था, तो जब खुशी भी थी सुन के कि उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिए. तो यही है इसके पीछे की कहानी भाई. थैंक यू सो मच भाई. क्या और इमरान भाई, मेरे को आप बहुत क्या बोलते हैं, मेरे बैड वक्त जब बुरा वक्त चल रहा था तो उस वक्त भी बहुत सपोर्ट करे. जब मेरे साथ स्कैम हुआ तो आप आधी रात को आए थे मेरे वास्ते, अपने कारवान के MLA कौसर मोहियुद्दीन के फर्जन जफर मोहियुद्दीन भाई को ले लेके बहुत खुशी हुई थी. क्योंकि वो बुरे वक्त में जब कोई रहता ना तो हमेशा याद रह जाता. ये पब्लिक को नहीं मालूम कि आप मेरे वास्ते क्या क्या करे थे, स्टोरीज लगाए थे, बहुत करे थे. वो बहुत हिम्मत वाली काम है, क्योंकि लोग क्या बोलते बोले तो, अरे अब रूहान अर्शद ऐसा फंस गया, इमरान इम्मी स्टोरी लगा रहा, खत्म, इमरान इम्मी को मीम्स बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. पर इमरान भाई कुछ भी
सोचे नहीं, फर्क नहीं पड़ता बोले जैसा, मेरे वास्ते आधी रात को आ गए थे मेरे वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, वो वक्त में आप मेरे को एक एक मोटिवेटर भी बने, एक मेंटर भी बने, एक बैकबोन बन के मेरे मेरे लिए आए थे। आप आधी रात को 2 या 3 बजे थे। जिस दिन मैं मेरा कैसा है बोले तो मैं एक ऐसा अपने आप को ऐसा मैं प्रेजेंट करता हूँ, मैं हूँ कि मेरे साथ एक मुलाकात जिससे अच्छी हो गई ना, उसका इंशाल्लाह जिंदगी भर साथ देता हूँ मैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई नेचर को हमें तो रोहान अरशद एक बहुत ही अच्छे प्योर हार्टेड इंसान है और बहुत खुले दिल के है, तो इसलिए मेरे को रोहान के साथ में एक अलग वाइब मिलती है, एक अच्छी मतलब एक बॉन्डिंग अच्छी है हम लोगों की, इसलिए क्योंकि एक अलग वाइब है, बिल्कुल सच्चाई के साथ में उनका चेहरा है, ऐसा नहीं कि चेहरे पे अलग है, दिल में अलग है, फिर पीछे से अलग है, ऐसा नहीं दिखा। तो रोहान को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि एकदम खुले दिल के, और जो बात है वही है खत्म, ये है तो है भाई, पेट्रोल के पैसे नहीं है बोले तो भी हाँ ठीक है भाई, ऐसा बंदा है, तो इसलिए मेरे को पसंद आता रोहान अरशद का। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। तो इमरान भाई मैं थोड़े क्वेश्चंस निकाल के रखा था आपके लिए। बिल्कुल भाई। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो उन्हें आपको कहीं भी दिख गया या फिर आपको कॉल आ गया उसका, तो अरे इन्हें कहीं को करा रहे भाई बोले जैसा दिखता आपको? सेलिब्रिटी मतलब यूट्यूबर्स में, हैदराबाद के इंडस्ट्री के यूट्यूबर्स, महान यूट्यूबर्सों में एक यूट्यूबर रहता जो आपको कभी कॉल कर गया या फिर कहीं भी दिख गया, अरे इन्हें कहीं को आ रहे भाई, इन्हें कहीं को दिखा रहे भाई, कहीं को कॉल करा रहे भाई बोल के। सलमान शूटर, सलमान शूटर का फोन आता मेरे को, कहाँ है रे भाई, अरे सीधी बात करो, कहाँ है यार भाई, हाँ बोल यहाँ क्या हुआ, बोल बोलता हूँ, जब उन्होंने उल्टी बात करते जब मैं टेढ़ी बात सीधी करता हूँ, जब उन्होंने सीधी करते जब मैं टेढ़ी करता हूँ, तो सलमान शूटर का फोन आते, अरे जा रे भाई यहाँ मैं वहां बोल के फिरा देता हूँ। अच्छा अच्छा। आप कभी आपका नाम ऐसी जगह पे यूज करे जहाँ पे, अरे यहाँ पे यूज करे तो मेरे को ये प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता, अरे भाई बोले जैसा? नहीं भाई आज तक तो यूज नहीं करा मैं, अगर मेरे कोई चीज होना है तो मैं खुद चले जाता हूँ, बिना बोले चेहरा देख के डिस्काउंट कर देता। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर यूट्यूबर फेलोस में आपके मतलब ऐसा कोई शख्स है जो आपका नाम बोल के बहुत आज भी फायदा उठाता, कहीं भी गया तो कपड़े खरीदने गया तो भाई मैं इनका दोस्त हूँ, भाई मैं इनका दोस्त हूँ बोल के? है वो तो अलग चीज है, लेकिन उससे हटके भी थोड़े दूसरी चीजें भी है, उसमें भी थोड़ा नाम का इस्तेमाल करके नाम खराब भी करे कुछ लोग, लेकिन खैर वो चीज मैं लाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल है, लेकिन ऐसा होता हर किसी के साथ होता, आपके साथ भी हुआ होगा, हर सेलिब्रिटी के पीछे ही कहानी है, कोई अच्छे के वास्ते यूज कर लेते नाम, कोई बुरे के वास्ते भी यूज कर लेते, कोई खुद के फायदे के लिए भी कर लेते, कुछ कर नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते, बेशक सांप तो अपन ही पाले हुए। क्या बात है, वो बोलते ना भाई इमरान भाई, जब इमरान खान इमी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार, ऐसा मसला है इमरान भाई के, मतलब इमरान भाई वैसी शख्सियत है, क्योंकि इमरान भाई मैं आपको ये भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप जो भी रील डाल देना तो हर रील्स में कभी कभी मैं कमेंट सेक्शन में घुस के देखते रहता हूँ, हर कमेंट सेक्शन में नहीं घुसता हूँ, सिर्फ आपके क्यों बोले तो अपने हैं, जब अपने वालों को कोई भी मेरे को बोलते हैं ना तो मेरे को भी तकलीफ होती, मेरा दोस्त है बोले मेरे दोस्त को कोई भी बोल रहा बोले तो मेरे को भी तकलीफ होती, जब ऐसा चीजा देखते ना कभी ऐसा दिल बोलता मेरे ने भी 2-3 फेक अकाउंट ना है घुस के मैं भी अब हैदराबादी अंदाज में बोलना बोले तो अलग बोल सकते, पर ऐसा दिल बोलता, पर वैसे मेमर्स जो हेट करते उन लोगों के लिए 1 लाइनर दियो भाई आप। आई डोंट गिव अ फक कहीं को बोले तो ये जो कुत्ते नीचे भोंकते रहते ना उन लोगों के वास्ते मैं टॉप फ्लोर पे बैठे हूँ, मेरे को आवाज ही नहीं आती लोगों की, कितना भोंकते भोंकले हैं, लेकिन जिस दिन मेरी फिर जाती मैं सीधा इनबॉक्स में घुस के सीधा जो भी है ओपनली बोल देता हूँ उसको। बेशक, मैं तो वो मेरे आंखों से देखा हुआ हूँ, बहुत सारे जैसे कि चंद मीमर्स है जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्यों बोले तो अगर मैं नाम ले लिया बोले तो बेचारों को थोड़ा मिल जाता फेम, क्यों बोले तो जब इमरान खान इमी रोहान अरशद एक साथ बैठे हुए बोले तो शहर को हिला सकते हैं, पर नहीं हिला रहे, इसलिए नहीं हिला रहे बोले तो ऑलरेडी हमको देख के खुद शहर हिल गया था, तो ऐसा है। तो वो लोग जो है इमरान भाई आपको खास टारगेट करते? बिल्कुल, हैदराबाद में कोई भी पसंद नहीं है लोगों को सिवाय मेरे, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो हर मीमर हर ट्रोलर सिर्फ मेरे को ट्रोल करता, मैं पूरे ट्रोलर्स की हिस्ट्री उठा के देख लिया, किसी को भी नहीं करते, करे तो बिल्कुल एकदम थर्ड कैटेगरी के लोगों करते, नहीं तो मेरे को करते, तो जब मेरे को ट्रोल करते हो लोग तो मैं देख के खाली ऐसा आ गया मेरे को ऐसा सट बोल के स्वाइप करते तो बर्खास्त, मैं देखना भी नहीं पसंद करता हूँ कि उन्हें क्या कर रहा, लेकिन उसी के साथ साथ जब मेरे साथ में कोई मेरे को मतलब ऐसा होता है कई बार कि मैं स्वाति रील्स बनाते तो ट्रोल करते लोग,
तो वो मेरे को पसंद इसलिए नहीं आता, और मेरे को गुस्सा भी आता जब कभी रिएक्ट भी कर देता हूँ वो चीज पे, क्योंकि एक लड़की है साथ में, मेरे साथ में है, तो उसकी एक रेस्पेक्ट है, इज्जत है, हर लड़की की इज्जत करना पहले तो मेरा एक मोटो है, बेशक रेस्पेक्ट एवरी वुमन, मैं हर लड़की की इज्जत करता हूँ। जब मेरे साथ में कोई लड़की है तो वो चीज को आप लोग मतलब एक गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। अब हम लोग कोई ऐसा वैसा भी वीडियो नहीं बना रहे, एक नॉर्मली एक रील बनाते पर, तो उसको जब ट्रोल करते मेरे साथ में स्वाति को, तो मेरे को तकलीफ होती है उस चीज की, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसके रिलेटिव है, उसकी मम्मी है, भाई लोग है, जो भी है, कोई देखे तो अच्छा नहीं दिखता। बेशक तो वो वजह से मैं बहुत सारे मेमर्स को बैन भी कराया, उन लोगों के ऊपर सीसीएस पे कंप्लेन भी दिया, कई सारे मेमर्स भाग गए भी, कई मेमर्स को पकड़ना बाकी भी है। तो जो बच गए उन लोगों अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे बोले तो फिर फ्रेम में से निकल जाते अपन। आखिर ये खाली हीरोइज्म जो है स्क्रीन पे है भैया, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन के बाहर आगे बोले तो पूरा अलग है अपना शहर में, क्या बोलते हैं। पर इमरान भाई ये जो मेमर्स है ना, इन लोगों को जब उल्ला अपने को तकलीफ दे रहे, पर अल्लाह ताला आइसिस नहीं छोड़ता, वो लोगों को, उन लोगों को भी बहुत बुरी बुरी तकलीफों से गुजारता, यही जलील होते इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हर कोई जलील होता, जब अपने घर वालों तक आ रहा था उनके माँ बहनों को भी जलील कराएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह बहुत बड़ा है। इमरान भाई आपके ऐसे कौन से भी दोस्त है जो आपके सीक्रेट सब उनके साथ शेयर करे, आप शेयर करने के बाद उन्हें बाहर जब आपके साथ दुश्मनी हो गई या फिर आपके साथ टकरार हो गया या बुराजगी आ गई या बातचीत खत्म हो गई, तो उन्हें बाहर जाके गली गलियों में, अरे इमरान वो है, इमरान ये है, इमरान के मेरे को ये मान लो, इमरान के वो है ये है, बल्कि कुछ भी शेयर करा, मतलब फैलाया बातों के, आपके सीक्रेट्स बातों को। ये हर दोस्ती का एक पार्ट है, हर किसी के दोस्त के साथ एक ऐसा दोस्त रहता जो ऐसा हो जाता, हर मतलब हर किसी का एक कॉमन चीज है, जनरल चीज है कि कोई एक बंदा रहता उसके चार दोस्त रहते, उसमें से एक खास रहता जो राजदार रहता, हर चीज उसको अपन शेयर करते, बहुत लंबे टाइम तक साथ रहता उन्हें, लेकिन अचानक कुछ ऐसा वक्त आया था जब उन्हें छोड़ देता दोस्ती, जब उन्हें वो चीज करता जो आप बोलते, जब जाके सुनाता करता, ऐसा हुआ मेरे साथ भी, नेवा बोल के ने मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं बस दोस्ती की वो कदर रखा था, दोस्ती की जो रेस्पेक्ट थी मेरे पास, और जो दोस्ती में जो लेवल पे करा, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त वो दोस्ती मेरे लेवल पे नहीं कर सकता मेरे से दोस्ती, क्योंकि मैं जिससे भी दोस्ती कर लेता हूँ उसको कब्रस्तान तक साथ देता हूँ, वो मेरा, मैं वैसा हूँ। तो है ऐसे दोस्त, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज दोस्त नहीं है भी तो वही दोस्ती आज भी दिल में है, लेकिन बस दिल उड़ गया वो चीजों से। पर ऐसे उन लोगों के साथ ही होता है इमरान भाई, जो दिल के सच्चे रहते हैं ना, जब अपन लोग उन लोगों को ज्यादा अहमियत दे देते हैं तो वो लोग लास्ट में, अरे इन्हें क्या, अरे भाई मैं नहीं रह तो नहीं रह सकता, नहीं मैं नहीं रह तो नहीं जी सकता, नहीं मैं नहीं रह तो कहीं भी नहीं जा सकता, सोच लेते। पर वो लोग को नहीं मालूम उनके सर के 56 लाइन में ठहरे हुए इमरान खान इम्मी के साथ दोस्ती करने, काम करने के वास्ते, बस ये एक लाइन बहुत हो गई इन लोगों के लिए। तो मैं भी यही खुद को, मैं ये प्रूफ करता हूँ हमेशा कि अपन अकेले कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब अकेले हर चीज सरवाइव कर ली अपन, हर चीज में मतलब ऐसा होता कि हर चीज में एक दोस्त काम आता, वाकई में मेरे दोस्त बहुत काम आए मेरे, और मैं मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा आपके शो के जरिए, कि उन लोग हमें बहुत सपोर्ट करे, बहुत हर चीज में सपोर्ट करे। लेकिन अब कभी कभी ऐसा वक्त आया था कि जब माँ से आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ता, तो एक टाइम ड्यूरेशन रहता हो, कोई लोग शादी से पहले बदलते, कोई लोग शादी के बाद बदलते, कोई लोग कुछ ऐसे मोमेंट्स में बदल जाते कि जब अपन को जरूरत रहती, खास जरूरत जब रहती, जब दोस्त कुछ करते कि अलग हो जाते। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब दोस्तों की जरूरत थी, जब दोस्त साथ नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, मैं भी अकेला जीना सीख लिया माशाल्लाह। अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अब मालूम हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बेशक, क्योंकि अल्लाह साथ है अपने, और जो चाहने वाले जैसे कि आप है, तो वैसे लोगों का खाली हेलो बोल के फोन करना भी बहुत बड़ा साथ है। तो मैं खुश हूँ अभी फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ, फैमिली को भी टाइम मिल जा रहा, दोस्तों को भी टाइम मिल जा रहा, जिसको अपन चाहते उनको भी टाइम दे दे रहे, मतलब जिसको चाहते मतलब अपन दोस्तों को, दोस्ता गलत समझ लेंगे फिर तो ऐसा है। इमरान भाई के साथ जो है मैं ज्यादा मुलाकात नहीं करता हूँ, मुलाकात होती भी नहीं ज्यादा, क्यों बोले तो इमरान भाई बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि इमरान भाई ओल्ड सिटी के है, मैं जरा न्यू सिटी की तरफ का हूँ, इमरान भाई बोले सिटी का, ओल्ड सिटी वहां था पूरा। तो इमरान भाई के साथ बॉन्डिंग ऐसा है बोले तो मैं क्या सोचता हूँ मालूम, कि अगर इमरान भाई अगर मैं आपसे रोज मिलूंगा ना तो मोहब्बत कम हो जाती शायद, बोले जैसा मैं कम मुलाकात करता हूँ, क्योंकि जब कम मुलाकात होती ना तो मोहब्बत ज्यादा रहती, जब भी कम मिलते मेरे को पूरी रात फंसा देते हैं, सुबह 8-9 बजे, सुबह 10 बजे जाके घर पे सोता हूँ भाई, और इमरान भाई को मैं महीने में एक दो दफा तो ही कॉल कर लेता हूँ, कॉल करके भाई कैसे खैरियत से, सब ऐसा बातचीत होती रहती मेरी, ऐसा है। तो इमरान भाई, सिराज भाई,
मोहम्मद सिराज जो इंडिया के ग्रेटेस्ट बॉलर है आज के डेट पे माशाल्लाह, टॉप रैंकिंग, जो जब मैं उनको देखता हूँ उनके वीडियोस आते ना बहुत खुशी होती मेरे को, इतनी खुशी होती, दिल से खुशी होती है, अरे अपने हैदराबाद का बंदा है भाई बोले जैसा दिखता मेरे को। तो उनसे आपका बॉन्ड कैसा है या फिर उनके साथ दोस्ती कैसा शुरू हुई, या आप लोग स्कूल के दोस्त हैं कॉलेज के दोस्त हैं? मैं और सिराज कॉलेज स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल मतलब हम लोग बचपन से साथ में पढ़े, टेंथ तक भी साथ पढ़े, उसके बाद में मतलब स्कूल का तो दोस्ती मालूम आपको, एक बेंच पे 10 लोग आए बैठते थे, 3 लोगों की बेंच रहती थी लेकिन 10 जने खुसूस के बैठते थे, वही स्कूल की दोस्ती रहती। तो सिराज और मेरा मेरे साथ में मतलब हम लोग की जो टीम थी जो ग्रुप था स्कूल में, तो 7-8 या 10 लोगों का ग्रुप था, तो पूरे एक जैसे थे और बहुत जबरदस्त दोस्ती थी, स्कूल 10th पास हुए तक भी जबरदस्त दोस्ती थी। उसके बाद में इंटर में भी हम लोग मिलते थे, सिराज अलग कॉलेज में थे हम लोग अलग कॉलेज में थे, तो फिर भी बंका वंका मार के हम लोग मिल लेते थे, लेकिन जैसा इंटर खत्म होती कि सिराज गायब, सिराज को हम लोग मिले इसने जमाना हो गया था, मतलब लाइक 2-3 साल हो गए थे कि सडन सिराज का रणजी ट्रॉफी वगैरह ऐसा चल रहा था। तो जब मैं टीवी शो पे एंकरिंग करता था एक व्हाट्सएप रूवी चैनल पे जी, तो वो शो के टाइम पे मैं सोचा भी था सिराज को बुलाएंगे, बात भी हुई थी हम लोग की कि मैं ऐसा शो कर रहा हूँ चलो अपन करेंगे, तो सिराज को मतलब ऐसा कैमरे के सामने आना पसंद नहीं था। तो उसके बाद जब आईपीएल का आया था चांस सिराज को, सेलेक्ट हुए थे आईपीएल के लिए, तो जब मालूम हुआ मार्केट में कि सिराज हैदराबाद से कोई है, लेकिन उससे पहले मेरे को पूरा मालूम था कि सिराज 100% दिन आने वाले है, नो फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले है बल्कि, पर अल्लाह का निजाम देखिए इमरान भाई, कि उनके वालिद साहब ऑटो चलाते थे, आज उन्होंने रोल्स रॉयस चला सकते, अल्लाह ताला उनका वो मुकाम बनाया, इंशाल्लाह ताला उन्हों बहुत बेहतरीन प्लेयर बनेंगे। अरे मैं तो बोलता हूँ रोल्स रॉयस क्या भाई, उन्हों प्लेना खरीदना पड़ता है उनको बोले तो उन्हों कार चलाने टाइम नहीं है उनके पास, खाली ये फ्लाइट वो फ्लाइट जंप करना है खाली, तो एक मैं तो बोल रहा हूँ भाई प्लेन खरीद लो तुम, बेहतरीन प्राइवेट जेट वो लेके फिरो तुम, रोडो में फिरना नहीं है खाली उड़ना है। तो हर एक चीज सिराज की भाई ये मेरे को बहुत अच्छी दिखती, और इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे कि जब एक इंसान को एक बड़ा मुकाम मिल जाता, आजकल तो छोटे छोटे मुकामों पर है कि बैगन की मोतावरी आ जाती लोग लेकिन वो आदमी जो है एक अलग लेवल पे है, अलग लेवल क्या सबसे टॉप लेवल पे है, नंबर वन बॉलर तो मजाक नहीं है बेशक, तो वो लेवल पे जाने के बाद भी आप यकीन नहीं करते। मैं ज्यादा कॉल्स तो नहीं करता हूँ सिराज को, क्योंकि अपन को मालूम है कि अपन कितना बिजी रहते जी, तो अपने से 10 गुना 100 गुना आगे है ना, तो उन्होंने क्या लेवल पे बिजी होंगे, तो मैं ये सोच के कॉल नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक मैसेज बता देता हूँ खाली के सिराज की एक तारीफ ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये बंदा जो है मेरे को एक मैसेज करते कि विद इन मिनट्स में रिप्लाई कर देता हूँ। तो आज भी ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल रखने के बाद भी वो बंदा दोस्ती नहीं भूला, ये दोस्त था तो मेरा दोस्त है, ये रिसेंट मैसेज ऐसा ही है, रिसेंट मैसेज ऐसा ही है। तो हम लोग की चिट चैट होती रहती इंस्टाग्राम पे, कभी स्नैप या व्हाट्सएप पे, तो ये एक चीज अच्छी दिखती है, क्योंकि एक लेवल आने के बाद भी सिराज आज भी वही है जब 0 लेवल पे था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और मैं इसके लिए आपको एक प्राउड फील होता है, और साथ साथ मैं भी एक इंस्पायर होता हूँ ये चीज से कि एक लेवल पे जाने के बाद भी इंसान आज भी वही दोस्ती रखा, वही मतलब तरबियत है जो पहले थी, तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा दिखता मेरे को। ऐसा कौन सा भी मोमेंट है इमरान भाई जो आप सिराज भाई के साथ हुआ फन मोमेंट, जो कॉलेज के टाइम पे जो बेहतरीन ऐसा कुछ भी है? लेकिन मैं बोल नहीं सकते, थोड़ा पर्सनल है, मैं बोलिए मैं कट कर लेता हूं जो नहीं बोला है नहीं फन मोमेंट क्या है बोले तो बस ऐसी स्कूल के ना, एक ही स्कूल के थे तो वैसे से चीजा हो जाते थे थोड़े, है कुछ लेकिन मैं बोल नहीं सकता भाई आप कभी मतलब आप एसी गाड़ी में रहते ना, तो इसी गाड़ में कभी खेंची मारे साइकिल पे ऐसा पैरा घुसा के टिक 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 जब ये साइकिल है समझो अब आपके सीट पे बैठे तो पैरा नहीं टिकते तो ऐसा बीच में से डाल के ऐसा पकड़ के चला देते तो खेंची मैं भी करा एटलेस साइकिल को करते थे वो। और मेरा ये बचपन एकदम 90s का था, मैं भी 90s के बचपन से बड़ा हुआ, तो चबूतरे के ऊपर ठहर के बैठ जाते थे कभी सीट पे पैरा नहीं गए तो वैसे चीजें अपन भी करके बड़े हुए और मिस कर दिया ऐसे आजकल के जनरेशन के लोग जो अपन करते थे वो टाइम पे बाहर खेलना कूदना, अब तो है ही नहीं कहीं भी, खाली ये से दुनिया पूरी इसमें ही से लोगों की। अच्छा अच्छा, आपकी और शहबाज भाई की दोस्ती कब शुरू हुई थी इमरान भाई? मेरी और शहबाज भाई की दोस्ती मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मैं स्कूल 10th में या फिर ऐसे टाइम पे हुई थी दोस्ती, आज से 10 साल से ज्यादा हो गए, 12-13 साल हो गए दोस्ती बोले तो, भी मेरे भाई है समीर भाई, उनके दोस्त है शहबाज भाई। अच्छा बॉस,
जिसको भाई भी पहचानता हूँ, जो समीर खान पहलवान, राइट। तो उनके दोस्त है शहबाज भाई। जी जी जी। तो मैं उनके घर पे रहने के लिए जाता था समर्स हॉलीडेज में, ऐसा वैसा सैयद नगर में। तो वहां पर शहबाज खान से मेरी मुलाकात होती थी। अरे आवाजा निकालते हो रहे तो ठीक है, बल्कि हम ना दोनों बात कर लेते थे, आवाजा और अमरीश पुरी, सनी देओल, एक चार पांच लोगों की आवाजा निकालते थे वो टाइम पे। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद में हल्लो हल्लो ऐसी जब भी गया तो मिलते थे, तो हम दोनों का एक वाइब मैच होता था। अरे चलो भाई, दोनों जबरदस्त एक दूसरे से बात कर लेते थे। फिर ये वीडियो स्टार्ट करने का जो टाइम था 2016 की बात है, तो जब से हम लोग वीडियोस बनाना शुरू करें। पर माशाल्लाह अल्लाह बहुत इज्जत दिया भाई आपको और आपकी टीम को। शहबाज भाई की आप दोनों की जोड़ी तो ऐसी रहती थी, जय वीरो की जैसी रहती थी, अज्जू मुज्जू, जय वीरो करण अर्जुन की जैसी थी, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आगे भी रहेंगी। इंशाल्लाह आगे साथ में भी काम करेंगे हम लोग, आप सब जने मिलके दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप दोनों के दिलों में मोहब्बत डाले, अमीन, पहले अमीन। जो थी और उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत डालेंगे अल्लाह ताला। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, बस खाली काम सेपरेटेड हो गया हम लोग का, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो नहीं कर रहे भी काम, लेकिन दोस्ती आज ही हुई है। रिसेंटली मैं उनसे मिला, साथ में हम लोग एक कैंपेनिंग भी करे इलेक्शन की, तो है दोस्ती हुई है, मोहब्बत बढ़ेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोहब्बत ही बढ़ेंगी और आप जो बोले सब बढ़ेगा, लेकिन काम का बोल नहीं सकते। काम से तो दोस्ती खराब हुई, तो फिर वापस में वो चीज खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा इमरान भाई, सुबह कब उठते हैं आप? मैं देखो भाई, मेरा शेड्यूल कैसा है बोले तो अपन अपनी मर्जी के राजा है, क्योंकि अपन जॉब वाले नहीं है 9 to 5। जब काम रहा जब सुबह उठ जाना, जब काम नहीं रहा जब देर तक सोना। और मैं कभी रूटीन चेंज करता हूँ, कभी रात भर जगता हूँ दिन भर सोता हूँ, कभी दिन भर काम कर लेता हूँ रात भर सोता हूँ, ऐसा शिफ्टिंग होते रहती मेरी, डे एंड नाइट शिफ्ट चेंज होते रहती। अच्छा अच्छा। तो काम रहा तो उठ जाता हूँ, और कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहे तो वो मेरी खानदानी आदत है नहीं मालूम या फिर क्या है नहीं मालूम, मैं देर से आता हूँ, देर हो जाती जाने। मतलब आपके खानदान में दावत आ रहे तो आप जाते अटेंड करते? मैं खानदान के घरों में दावतों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, बहुत रेयर केस में जाता हूँ मैं। यूट्यूब पे देख लो बोलते शायद खाली। बहुत रेयर जाता हूँ मैं, कभी कभी जाता हूँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं भाई। अगर आप खानदान के दावतों में नहीं गए तो फिर आपकी दावत को ना पोस्टपोन कर दिए, तो मतलब लाइट ले लिए तो नहीं हमारे दावतों में नहीं आया तुम्हारा बच्चा, हम भी नहीं आते बोले तो। यहाँ तक कि मेरी दावत के खाली इंतजार में लोग, हमें नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन मेरी दावत के इंतजार भाई, आपकी दावत के इंतजार में पूरा शहर पड़े हुआ है भाई। मैं 20,000 लोगों की दावत करने वाला हूँ मेरी शादी की, आम खास दावत एकदम किराक मैं जा रहा हूँ, बघारा खाना दालचा। अरे सुनो भाई, बड़ा खाना नहीं, रुखे छपाने चले जाते भाई। मैं वाकई में अच्छी बड़ी दावत करेंगे जितने भी चाहने वाले। इंशाल्लाह आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपको ऐसी दावत करो आप, बस इमरान भाई कि मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप दावत करो कि 100 लोगों की एक दस्तर बिछाओ आप। जी पहला दस्तर गरीब बच्चों के साथ आप खाना खाओ आप। मेरी भी बिल्कुल आप सही बात बोले, मैं भी ऐसा सोच के था कि मतलब जब भी मैं शादी करूंगा तब कुछ मदरसे के लोगों को मैं दावत दूंगा जिसमें पहला दस्तर उन लोगों का ही रहेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते, लेकिन मेरा प्लान ये है मैं उमरा पे जाऊँ बोल के शादी के बाद इंशाल्लाह, और उसके बाद में जो भी ख्वाहिशा जिंदगी बहुत बड़ी है, ख्वाहिशा पूरे कर सकते, तो ऐसा एक थोड़ा हर चीज को लेके मैं सोच के हूँ, प्री प्लान हूँ मैं भी, लेकिन शादी कब करना है किससे करना है ये अभी तक प्लान नहीं करा, करेंगे इंशाल्लाह। मैं गाइस इमरान भाई को इतना करीब से देखे हुआ हूँ, ये बंदा जो है यहाँ से बात नहीं करते, यहाँ से बात करते जो भी है मुंह पे है बद पीछे वो, अभी कभी मुलाकात हो गई बोले तो, अब एग्जांपल मैं इमरान भाई और एक थर्ड पर्सन कोई भी ठहरा उन्हें चले गए बाद उसके बारे में बात ही नहीं होती हम लोग के बीच में, क्यों बोले तो कंपटीशन हो जाता हो, अरे वो ये बोले जैसा हम लोग कॉम्पिटिशन नहीं करते। मैं इमरान भाई को देखे हुआ हूँ सामने से और बहुत क्लोज बैठे हुआ हूँ और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे हुआ हूँ, एक यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करे हुआ हूँ बोले तो एक इमरान खान में और आमिर बिन सईद के साथ, बाकी किसके भी साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, जो भी है मुंह पे है। आमिर की भी शादी हुई अब से तो मुलाकात ही नहीं हुई आमिर बिन सईद भाई की, शादी होती है अलग बात है, पूरे बदल जाते हैं शादी होती है पूरे बदल जाते हैं, शहबाज भाई बदल गए शादी होती, शूटर बदल गए, आतिफ भाई बदल गए, नहीं
अब आप भी कब होते कि आपको बदल गए? इंशाल्लाह ताला, आप जैसा कर लो भाई, आपसे तो 2 साल का छोटा हूँ मैं। इंशाल्लाह आप जैसा बोलते वैसा कर लेंगे। आप कब कर रहे शादी? मैं भी एक छोटा सवाल कर लेता हूँ, शादी कब कर रहे आप? नहीं भाई ये कट कर देंगे अपन। नहीं नहीं शादी कब? नहीं इंशाल्लाह भाई, अल्लाह अल्लाह देख रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। अरे माशाल्लाह क्या बात है, कमेंट हमारा जल्दी, कब करना है रोहन अर्शद की शादी? बोल के आप लोग कब तक आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब करना है शादी? हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू फाउंड आउट people were making memes of you? अरे लाइट लो स्टार्ट कर दे रहे थे, बस बस खाली डालते जा रहे डालते जा रहे। तो खैर चलो करो, आप लोग करते रहिए, मैं आप लोगों का पेज बंद कराते रहता हूँ। भाई ऐसे कौन से 5 वर्ड्स है जो आपको डिस्क्राइब करते हैं? अच्छा ही तो मैं अपने आप की तो नहीं करता हूँ कभी भी। नहीं भाई मतलब कैसा बोले तो पब्लिक तो कैसा बुरा बोलती, रूहान अर्शद इमरान खान मियां फोटो डालते लाना, माजा नहीं पढ़ते लोगों, हदीसा नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा ही मेरी अपने आप की बताता हूँ मैं, अच्छा ही क्या, हर इंसान का हर मुसलमान का काम है वो करना। मैं चाहे कुछ भी हो जाओ, नींद में से उठते कि पहले नमाज पढ़ता हूँ ये मेरा काम है। चाहे मैं जोहर में उठने दो या फजर में उठने दो या असर में उठने दो या मगरिब में उठने दो या ईशा में उठने दो, पहला काम मेरा नींद में से उठते कि पहले पानी नहा लेता हूँ, वजू कर लेता हूँ, पहले नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद खाना निकालता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मेरी अम्मी को बोलता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ खाना निकालो। तो मेरा दिन का पहला काम ये है, और ये चीज को लेके तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसा हूँ। तो पहला काम मेरी नमाज से करता हूँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पहली शुरुआत में नमाज से करता हूँ। मेरे बाकी के 4 टाइम की छूट जाते होंगे, कभी 3 टाइम की छुट्टी, कभी 2 टाइम की छुट्टी, कभी कभी इतना अल्लाह के करीब चले जाते अपन, 5 वक्त की नमाज होती माशाल्लाह, और वो कंटिन्यूस होती रहती, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए छोड़ दिए। तो ये होता है, लोग बहुत सारे बातें बोलते रहे, लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते नमाज पढ़ते कि नहीं की, और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर देते। वो कमेंट्स करने वाले सबसे बड़े जाहिलना रहते जो किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करते। मेरी लाइफ में क्या चल रहा सिर्फ मेरे को मालूम रहता, और अगर मेरा खास कोई है तो उनको मालूम रहता, अगर मैं शेयर करा तो। खाली चेहरा देख के बोल देना ये अलग चीज है, वो हमारा है, हमारा मतलब हमारा स्टाइल है, वो चेहरा देख के इंसान का बारे में बोल देना हर कोई नहीं कर सकता, हो गया भाई। बेशक इमरान, हम लोग के पास वो थोड़ा वो टैलेंट है जो चेहरा देख के चेहरा पढ़ के बोल देते कि ये कहाँ से आ रहा, क्या कर रहा, कितने का है, क्या कर सकता, बस वो हर किसी का नहीं रहता। तो आप लोग ट्राई ना को करो, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इंस्पायर हो रहे आप ये चीज से कि नींद में सोते कि पहला काम नमाज, प्लीज फॉलो करिए ये चीज, नींद में सोते पहला काम नमाज है। और ऐसा नहीं कि हर दिन भी नहीं, कभी कभी ऐसा हफ्ते में 1-2 दिन छूट जाते, कभी कभी हो जाता ऐसा। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको 3 बजे का टाइम दिया, 3:30 हो गए, आप नीचे इंतजार कर रहे, तो वो टाइम पे सब छोड़ के भाग जाता हूँ पहले, क्योंकि आपको इंतजार करा रहा हूँ, तो वो टाइम पे नमाज भी छूट जाती। खुली बात, ऐसा मैं ओपन बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर दिन पढ़ रहा बोले बंदा बोले सर का भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता कि नमाज भी छूट जाती। तो लेकिन अपना ये रूल है कि नमाज पढ़ते रहना, अल्लाह को याद करते रहना, क्योंकि मैं ऐसा खुद से फील करता हूँ कि जब तक आप अल्लाह को याद करते रहेंगे आपका अल्लाह ताला रिस्क नहीं रोकता, नमाज पढ़ने वालों का अल्लाह ताला रिस्क नहीं रोकता, और बरकत चारों तरफ से रहती, कोई भी परेशानी में ऐसा जाते ही जैसा खींच लेते अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले को, ज्यादा दिन तक नहीं रहते। तो मैं ये बात पे बिलीव करता हूँ, बस ये एक है मेरी एक पहली अच्छाई, तो ये बताया मैं। और दूसरी अच्छाई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो जो भी है, कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आपका उसको क्या बोलते हैं किसको अखलाक, अखलाक पे बिलीव करता हूँ मैं, हर इंसान की अखलाक अच्छे रहना चाहिए। तो मेरे बड़े में कुछ अखलाक दिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो अखलाक की वजह से मैं हर चीज में धोखा खाता हूँ। जिसके अखलाक अच्छे रहते हैं लोग अक्सर धोखा खाते रहते, बेशक बेशक। तो अखलाक अच्छे रहना चाहिए इंसान के। और दूसरी चीज, हर किसी के साथ खुले दिल से रहता हूँ मैं भी, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई उसके सामने अलग बात करना पीछे अलग बात करना, ये मेरी जिंदगी में नहीं करा मैं। तो मैं ये बात भी आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी है सामने कर लेना, अगर नहीं बोल सक रहे तो खामोश पड़ जाओ, किसी के सामने भी नहीं बोलना। तो ये एक चीज है, अखलाक है और नमाज है, और मैं जो भी हूँ मैं हूँ, मैं फेक नहीं बन सकता। ये एक मेरी अच्छा मतलब मेरा एक फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ वही हूँ, मैं किसी के सामने कुछ बनना नहीं चाहता हूँ, कुछ अलग प्रेजेंट होना नहीं चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा रॉ हूँ मैं एकदम। मैं अगर 10 दिन तक पानी नहीं नहाया बोले तो मैं नहीं नहाया बोलता हूँ, वैसे है। तो एक रॉ रहना चाहिए इंसान, किसी को देख के कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करना। और तीसरी चीज, मैं किसी को केयर करता हूँ तो पूरा दिल से केयर करता हूँ, अगर नहीं करता हूँ तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ डैम, ये बोल के साइड से निकल जाता हूँ, खत्म बात। चाहे उन्हें कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, चाहे सलमान खान भी रहने दो, चाहे रणवीर सिंह भी रहने दो, अगर मेरे को एक बात अगर कुछ गलत बोल दिया तो जिंदगी में उसको पलट के नहीं देखता, मेरा रूल है।
ये देखे हुआ मैं आप, क्योंकि मैं एक बार अगर किसी से तकलीफ खा गया तो मैं उसको पलट के भी नहीं देखता, बस यही है। तो इमरान भाई मैं आपको एक ऐसे क्या बोलते हैं अपने हैदराबाद के यूट्यूबर्स के नाम आ लेता हूँ जिसको आप वन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे चाहे आपका आंसर कड़वा भी रहो कुछ भी रहो, दिल से दियो जो उन लोगों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। शहबाज खान, ग्रेट पर्सनैलिटी एंड प्योर हार्टेड पर्सन, बस कभी कभी भैया कच्चे कानों के। अच्छा, तीन वर्ड हो गया, चलो तीन वर्ड्स में हो गया। अच्छा, और मोहम्मद बिन इसाक, उतना फ्रेंडली नहीं हूं लेकिन पर्सनली इतना नहीं जानता, बट ही इज गुड। आमिर बिन सईद आमिर में भी है थोड़े। क्या थोड़े है भाई, वन वर्ड बोले ना अभी भाई, है थोड़े बोल दिया, वो थोड़े में क्या है, कौन सा वर्ड है उसमें समझ में नहीं आ रहा ना। कभी इधर कभी उधर। अच्छा, सलमान शूटर भी वही से। आतिफ खान जबरदस्त। नबील आफरीदी, नहीं मालूम नबील के बारे में। अच्छा, रजाक, नो आइडिया है क्या वर्ड खाली। हाँ नहीं, मतलब पर्सनली लोगों को नहीं जानता हूं मैं, तो किसी को पर्सनली अगर जानते तो उनके साथ सामने बोल सकते कि रज़ाक आप जैसा बोल रहे हैं लाइट है जी, तो ऐसा नहीं पहचानता मैं ता पर्सनली, ता इन डिटेलिंग नहीं गया कभी। अच्छा, ही इज गुड एट हिज प्लेस, आई एम बेस्ट एट माय प्लेस। स्वाति मंडल जान। स्वाति मंडल को डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं वन वर्ड में, रियल पर्सनालिटी, फेक नहीं है स्वाति, जो भी है सामने, शी इज रियल है, आपके जैसे मेरे जैसे, जो भी है ना, बनने की कोशिश करती उन्होंने ना फिर बनाने की कोशिश करती, समझ में आ गुड, नहीं समझ में आ वेरी गुड। इमरान राइडर ही इज अ सपोर्टिव पर्सन एंड ही इज वेरी लवेबल एंड ही इज वेरी केयरिंग, मस्त है बंदा, जबरदस्त। ब्रुम ब्रुम करते रहते खाली इमरान भाई। और एक अपने सुपरस्टार फैजू, जो आपके बहुत छोटे भाई के जैसे भी चाहते भी है। सुपरस्टार फैजू और इमरान राइडर के बारे पूछो मत, आप दोनों जबरदस्त है, आखिरी की राख है मेरे साथ में रहते हैं, मैं कभी परेशान रहा, टेंशन में रहा या फिर कोई भी सैड रहा तो पहले लोग फोन मार के आते फिर आप आते, तो ये जो तीन नाम है, रूहान, इमरान और फैजान, और ये इमरान, तीनों के नाम में आप अगर नोटिस करेंगे तो एक ही रिदम आ रहा, राइमिंग हो रही, रूहान, इमरान, फैजान, इमरान। क्या बात है, मैं भी आज तक नहीं करा भाई रैपिंग इंडस्ट्री छोड़ दिया, पर अगर रहता था तो अपने गाने में चारों के नाम ले लेता था मैं, पर बस अल्लाह का शुक्र है हट गए अपन, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी आप जैसे दोस्त मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, रूहान, फैजान, इमरान और ये इमरान, तो बस अच्छे है सबके सब, ये चार लोग मेरे को अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते साथ में रहते, ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं आता। आप ओयो को गए कभी? छी, क्या है ओयो, वही जहाँ पे एक गुड़ा एक गुड़ी जाते रहती वहाँ पे? नहीं, I have never gone to any OYO, मैं सिर्फ 5-star hotels prefer करता हूँ। क्या बात है इमरान भाई, ये expect नहीं करा था मैं, answer 5-star का चले गया। नहीं मतलब ये OYO OYO वो देखे तो गंदे चीज़ा रहते हो, अच्छी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अल-अख़वत है, तो बेकार चीज़ा है ये, और मैं खैर इस पे ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, लेकिन बोलना भी जरूरी है ऐसे चीजों पे, क्योंकि हर किसी को नॉलेज रहना हर चीज की, कि ये चीजों पे खाली वहां पर स्टेप इन करते कि नाम खराब है तो वहां तक जाना भी नहीं, ऐसा ऐसा पलट के आ जाना अगर दिख रहा तो 5-star। अब इमरान भाई को मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो मैं खुसूसी 3 दिन निकाला था वक्त, थोड़े अच्छे भी है थोड़े चुपते हुए क्वेश्चंस भी है इमरान भाई। कैमरा ऑफ होने के बाद नको मारो भाई मेरे को, हमारे अम्मी मारते घर को, क्या बात कर रहा था, ये क्या पूछ गया वो बच्चा, मियां भाई गाते गाते ये क्या कर दिया बच्चा, बोलेंगे भाई फिर। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इमरान भाई प्रेजेंट राइट नो, और उसको आप, आपके दिल में जितनी मोहब्बत है उसके लिए आप मेरे शो के जरिए आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसको ये मैसेज दे सकते हैं आप।
मैं भी बोला ना आपको, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में सिर्फ ये तीन ही नाम आते हैं, इमरान, फैजान और रोहान। कई बोले तो वाइब मैच होती हुई, तो मैं दोस्तियां सबसे खत्म कर दिया, क्योंकि जिससे भी दोस्ती रह रही किसका की मिस कॉल देख सकते हैं आपकी भाई, देख सकते हैं भाई, ये अनस्क्रिप्टेड नो फिल्टर है। अगर अर्जेंट रहा तो नहीं, अर्जेंट तो नहीं है तो मैं भाभी का तो नहीं आया ना भाई, शादीश ने भी अभी भाभियों का तो नहीं आया ना भाई, नहीं, मेरे हर्ष ने, आई एम अ वन वुमन मैन, मैं अगर कोई लड़की के साथ रिलेशन में तो मैं अकेला ही रहता हूँ, आई मीन मैं एक के साथ ही रहता हूँ, दूसरी को देखता हूँ भी नहीं, तो ऐसा है समझो। तो भाभियां तो दूर की बात है। तो क्या सवाल था अपना? रूहान, इमरान, फैजान। तो ये तीन नाम जो है ये मेरी लाइफ के फिल वक्त जो मेरे स्क्रीन के दोस्त हैं यही छह। उससे हटके मेरे दूसरे भी दोस्त थे, जैसे कि जो मेरे घर के पास रहते, एक हमारे हबीब उस्मान जो ट्रेनर है मेरे, उन्हों है, और हमारे एक निहाल भाई बोल के एक उन्होंने दोस्त है मेरे, एक रमीज भाई बोल के जो स्क्रीन के बाहर के दोस्त है, एक बासित बोल के जो बासित जो दोस्त है मेरे, बहुत जमाने पुराने दोस्त है, साथ में हम लोग काम भी कर रहे, एक वीजा कंसल्टेंसी का हम लोग काम। अरे वो पूछना भूल गया इमरान भाई, मतलब बीच में एक मीम फैल रहा था कि इमरान खान इम्मी ऐसा वीजा को बोल के बच्चों गन से पैसे खा लेके वो कर दे रहे बोल के, मतलब पब्लिक का एक क्वेश्चन था या नहीं था नहीं मालूम, कि मेरा क्वेश्चन था क्योंकि वो वीडियो मैं भी देखा था और मैं आपको कॉल करके भी बोला था भाई, ऐसा मीमर है कुछ क्या किस था उन्हें बेकार लोगों का, मतलब लोगों की तो कुछ हकीकत है नहीं, ना कुछ करते ना कुछ कर सकते, खाली लोगों को बदनाम करना लोगों का काम है। तो मेरे को भी एक पोस्ट कई सारे लोग भेजे कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा लगा रहे बोल के स्टूडेंट्स के पैसे ले ले रहे कर रहे। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप वाकई में इंफॉर्मेटिव है, अगर आपका नया न्यूज आती पक्की, तो मैं कनाडा के वीजा लगाना प्रमोट करता हूँ, मैं कनाडा की वीजा के लिए, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा का ना प्रमोट करा ना किसी का वीजा लगाया। और रही बात स्टूडेंट वीजा की, तो मैं कभी एक भी स्टूडेंट का वीजा लगाया नहीं ना कभी लगाऊंगा, मैं सिर्फ कनाडा विजिट वीजा के लिए प्रमोट करा था और वो इश कर रहा हूँ। और ये जो मीमर जो जो भी डाले उसको 1% की भी नॉलेज नहीं है, उन्हें क्या बोलता मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए मैं काम करा, जिसको मैं काम करके दिया, उन लोगों को मालूम कि मैं क्या काम करा, कितना जेन्युइन हूँ कितना नहीं हूँ। तो इन लोग क्या बोलो, मैं ज्यादा बड़ी बात करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को बड़ी बात पसंद नहीं है, बस इतना बोलता हूँ कि बराबरी करना सीखो भाई, ये खाली नाम खराब करना बेकार चीज है, कुछ नहीं कर सकते तो देख के सीखो, किसी की बुराई या फिर किसी को नीचे गिराना नको सीखो, अगर है दम वाकई में मर्द है तो मेहनत करके नाम कमाओ, किसी को बदनाम करके नाम तो कोई भी कर लेता हो, तो नाम कमाना है शौक है तो अच्छा काम करके नाम कमाओ, लोगों को बदनाम करके नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट क्या बोलते हाँ। और गाइज ये शो के तरफ ये शो में मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि इमरान भाई एक वीजा विजिट वीजास का कंसल्टेंसी ऑफिस चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह वीजास लगाए और कनाडा भेजे, तो अगर आप लोगों को भी अगर वीजास लगाना है तो इमरान भाई को कॉन्टेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डाल देता हूँ इमरान भाई कन से लेके, जिसको आप कॉन्टेक्ट करके आप लोग कनाडा जा सकते हैं। तो पहली गर्लफ्रेंड कौन थी आपकी जिंदगी की दिलरुबा महरुबा? स्कूल के टाइम पे हर किसी को क्रश रहता, किसी के ऊपर किसी से प्यार व्यार हुआ था, तो बचपने में हुआ था मेरे को भी, तो वो बचपना खत्म प्यार खत्म हो गई। शादी उनकी नहीं है, नया आइडिया नहीं है भाभी, सलाम अलैकुम कट कर दो तो आप कभी बच्ची के ऊपर नंबर फेंक के हैदराबाद के पट्टों के जैसा हरकत करे कॉलेज लाइफ में या फिर नॉर्मल फेम मिलने के बाद भी? आपका भाई बचपन से आखिरी पॉपुलर बंदा था मालूम आपको, हाय हाय क्या बात है, हमेशा से पॉपुलैरिटी मेरे पीछे थी, मैं पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं गया कभी भी। तो अपन जब भी कोई भी दोस्तों में रहते थे तो मतलब पहले से एक आदत है, एक ख्वाहिश थी कि अपन आगे रहना, पूरों में नाम रहना अपना, तो वो चीज से मैं आगे बढ़ा सू, तो अभी तक ऐसा मैं कभी करा नहीं, लेकिन दिया नंबर चिट्ठी में लिख के दिया, कभी फेंका नहीं, जबरदस्ती रखो बोल के भी नहीं दिया। वो मेरे इंटर का टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा आखिरी निकले हुआ था थोड़ा, तो ऐसा वो टाइम पे हुआ समझो, मगर मैं खुद से कभी किसी को नंबर ऐसा फेंका नहीं, दिया नहीं, आगे से इशारा आया तो नंबर दिया मैं। तो कॉल आया फिर? कॉल आया बहुत बार, मगर मैं किसी से मिलता करता नहीं था, बस नंबर देता था, बात हो गई, हेलो है, खलास। आप कौन सी भी बच्ची को चीट करे अब तक? नहीं, आज तक मेरे लाइफ में नहीं करा चीट। क्या आपकी ऑन स्क्रीन वाइफ रियल लाइफ में वाइफ बनने के चांसेस है क्या?
बोल नहीं सकते, किस्मत की बात है वो। अब ऑन स्क्रीन वाइफ तो ऑन स्क्रीन ही है, हमारे अम्मी डिसाइड करेंगे वो कौन बनेंगे मेरी वाइफ, अम्मी के ऊपर है वो, क्योंकि मैं मेरे अम्मी को पहले से बोल के रखा कि तुम जो बोले वो लड़की से शादी कर दो, वही है मेरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, वो दिन के लिए इंतजार है आपके वालदा कब बोलेंगे आप कब कर लेते बोल रहे, लेकिन कर रहे में करेंगे इंशाल्लाह, टाइम है उसके लिए। तो इमरान भाई और एक एक क्वेश्चन है, और एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा चले जाएंगे, फिर भी अपन ना इंशाल्लाह पब्लिक को जितना हो सकता है इमरान भाई जो है वो इंशाल्लाह इमरान भाई बताएंगे आप लोगों को। बिल्कुल इमरान भाई, ऐसी कौन सी गलती है जो आप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिग्रेट करें, मतलब कुछ लोगों से लेके या फिर आपको काम से लेके, मतलब ऐसा रहता ना, अरे हमेशा आपको वो चीज सताती कभी ना कभी, दिन में हो या महीने में हो या जिंदगी में, कभी ना कभी एक कभी आप नॉर्मली बैठे हुए ऐसी फोन में या फिर कुछ भी वीडियो आ गया, रील आ गई, वो चीज को देखते कि अरे मतलब वो चीज को, अरे मेरे साथ ऐसा एक फील होता ना अपने को। अभी तक तो ऐसी गलती कुछ भी नहीं हुई, लेकिन एक गलती जहां तक मेरे को ऐसा दिखता कि सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं यूट्यूबर बना। क्यों भाई? यूट्यूबर बन के यूट्यूब वीडियोस बनाना एक गलती, ऐसा अभी फील हो रहा, क्योंकि जब जब हमारे फैमिली या अम्मी या फिर कोई भी कुछ बोलते कि आगे का क्या प्लान है, तो जब कुछ बोल नहीं सकते, क्या रहता प्लान, एज करते रहेंगे वही है, कब तक चलेंगे ये, तो हर किसी का सवाल रहता है। तो एक ही गलती दिखती मेरे को कि मैं ये एक्टिंग फील्ड इज डिफरेंट थिंग, यूट्यूबर बनना इज अ बिग रिग्रेट फॉर मी, क्योंकि इसमें कुछ भी स्कोप नहीं है, स्पेशली इन हैदराबाद तो बिल्कुल भी नहीं, व्यूअरशिप भी अच्छी नहीं है हैदराबाद में, जो लेवल के व्यूअर्स थे वो टाइम पे आज से 2-3 साल पहले लॉकडाउन के बाद में, अब बिल्कुल डाउन हो गया व्यूअरशिप, तो बेकार है यूट्यूब, मेरे हिसाब से बेकार चीज़ है यूट्यूब। यूट्यूब सिर्फ टाइम पास के लिए अच्छी चीज़ है, इफ इट कम्स टू द प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशनली यूट्यूबर हूँ बोल के ऐसा बेकार है वो, उससे हटके 3-4 चीज़ें आपके अलग अलग बिजनेसेस रहना, तो वो चीज़ मेरे को अब समझ में आई, तो मैं वापस यूट्यूब को थोड़ा सा लाइट लेके बिजनेस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। कुछ और 2-3 बिजनेसेस मेरे बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसके भी बारे में मैं रिवील करने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। तो यूट्यूबर बना बोल के मैं रिग्रेट करता हूँ अभी, रिग्रेट मतलब वैसा भी नहीं, बस एक टाइम खराब कर लिया मैं उसमें अपना, जिसमें मैं पूरा अपना 100% दिया, लेकिन जो अपन गोल रीच करना चाहते वो अभी तक भी नहीं हुआ, तो खैर उसको एक एज अ प्रोफेशन लेके मैं चला था, लेकिन अब मैं यूट्यूब को एज अ जस्ट टाइम पास जैसा मैं करने वाला हूँ, और मेरा पूरा फोकस जो है बिजनेस पे रहेगा, तो वो एक चीज़ का रिग्रेट हुआ था, लेकिन अब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बिल्कुल मैं मेरे सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, काम भी कर ले रहा हूँ, यूट्यूब भी देख ले रहा हूँ, अभी तो ब्रेक पे हूँ मैं 2-3 महीने के लिए, तो अगर जो भी यूट्यूबर है उनको भी ये मालूम होगा कि भाई खाली यूट्यूब से कुछ नहीं होता जी, तो मैं भी तो खाली ऐसी शादी नहीं भी ना, तो वही हिसाब से क्या टाइम पास हंसी मजाक में चल रहा समझो, शादी होने से पहले शादी की तैयारी करके शादी करे तो मजा भी आता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल सेट है। कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, तो उन लोग से मोटिवेट होके मैं ये चीज़ें स्टार्ट करा अभी, उन लोग से क्या एक ही है कोई, उनसे मैं मोटिवेट होता हूँ, और मैं अभी मोटिवेट होके ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो अच्छा दिख रहा। कौन है भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो सीक्रेट है। अच्छा। रिसेंटली कुछ दिन से इसमें मोटिवेट हो रहा हूँ, तो खुश है, मैं भी खुश हूँ, जो मोटिवेट करते हैं लोग भी खुश है। सही है इमरान भाई, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हर नजरे बच से बचाए, और जो भी चीज में आप पैर रख रहे हैं अल्लाह ताला वहां से आपकी कामयाबी शुरू करे इंशाल्लाह। और मेरे को खुद को भरोसा है और अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला आपका एक दिन ऐसा वक्त लाने वाला है, वक्त नहीं आता आपका, दौर आएगा इंशाल्लाह। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर कोई बोलेंगे अरे फिर कई को कर रहे यूट्यूब वगैरह, तो उनके लिए भी मैं अगर क्वेश्चन मार्क ऐसा आ रहा दिमाग में अरे यूट्यूबर ही ना भाई तू भी, तो बोले तो रिग्रेट भी कर रहा हूँ बोल के बोल रहा हूँ फिर वीडियोस भी बना रहा, तो वही क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है मेरा कि मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, अभी भी मैं उसमें आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन एज ए यूट्यूबर की बात करा मैं, यूट्यूब बेकार है, कुछ और चीज़ है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा कीड़ा रहता इंसान को, मरते दम पे मैं एक्टिंग करना चाहता, एक बार एक्टर अगर स्क्रीन पे आ गया तो जिंदगी भर उन्हें एक्टिंग करता, क्योंकि वो एक अलग रहता अंदर से, मतलब एक बोलते ना कोई चीज में आप माहिर है तो आपको जिंदगी भर आपके साथ रहती हो,
तो एक्टिंग तो करते ही रहेंगे। यूट्यूब से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आउट हो गया, यूट्यूब वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया अभी मेरे लिए फिलहाल, तो बाद में देखेंगे कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। कभी आप डिप्रेशन में गए इमरान भाई? नहीं, मैं डिप्रेस कभी नहीं हुआ। अगर मैं डिप्रेस हुआ भी तो बस 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं अपने आप को मैं डाइवर्ट करता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होता, बस दाढ़ी बढ़ जाती, बॉडी उतर जाती, भूखने लगती, चलते रहता ही तो डिप्रेशन में ज्यादा नहीं जाता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, बस सोचते रहता हूँ कभी कभी, ऐसा एक साथ बैठ के टाइम खराब नहीं करता मैं। डिप्रेस हर इंसान होता, लेकिन उसको डाइवर्जन में लेके आना वो एक कलाकारी रहती है अपने अंदर की। तो मैं लोगों को खुद मोटिवेट करता हूँ कि भाई डिप्रेस नहीं रहना, अगर मैच कर लिया बोले तो बेकार है। तो इमरान भाई आपकी शादी तो अब तक नहीं हुई, अगर शादी हुई आपकी कल के दिन तो ऐसी मतलब आपको बच्ची कैसी होना, मतलब बच्ची में कैसे क्या बोलते हैं उसको, अपने को नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं पढ़े अपन कैसे फीचर्स फीचर्स बोलते हैं कुछ, एंड्रॉइड में कैसे अपडेट होते रहते हैं, वैसे अपडेट तो नहीं होते फीचर नहीं होते आजकल, हर कोई अपडेट हो रहा है आजकल, इंसान गोरी होना, काली होना, नमाजी होना, बेनमाजी होना, ने बर्तन शादी के बाद पूरे बर्तन धोना, ने जॉब पे जाने वाली होना, ने आपके जैसी मेंटालिटी वाली होना, या फिर आपके जैसी ड्रेसिंग सेंस वाली होना, या फिर बस सलवार पहनना, खाली सिर्फ आंखा दिखना जब भाभी को आप मूवी को लेके गए या फिर शहरान में बुरखे दिलाने ले लेके गए, कैसी होना बोलो आप। मैं देखो भाई कैसी होना ये तो मैं कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं जिससे भी शादी करूंगा, जब भी मैं शादी करूंगा तो जैसा उन्होंने रहना चाहती मैं उसको ऐसा रहने दूंगा, पहली चीज। कहीं को बोले तो किसी के मतलब जो रियल है उनको वैसी से रखना, उनको बदलने की कोशिश नहीं करना। अगर उन्होंने अपने लिए बदल रही वो अलग बात है, अपन उसको बदलना नहीं, उन्होंने अपने को जैसी वैसी एक्सेप्ट कर लेना और मैं जैसा हूँ उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेना, ऐसी मैं चॉइस करने वाला हूँ। चॉइस क्या, वो एक नेचुरल चीज है, अपने आप मिल जाते वैसा, ढूंढ के मिले तो नहीं मिलते वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की गोरी होना, काली होना, मोटी होना, दुबली होना, यहाँ की होना, वहाँ की होना, ये सब नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग रहना, वफादारी रहना उसके पास, लॉयल्टी रहना, और क्या, कुछ नहीं, बस मम्मी को खुश रखना, मैं उसको खुश रखता हूँ। माशाल्लाह भाई बहुत जबरदस्त बात बोले आप। तो गर्ल्स एसी गार्ड में इमरान भाई का घर है, आप खुसूसी रिश्ते भेज सकते हैं आप लोग खासकर इमरान भाई, आप घर का नंबर बोल सकते हैं आप स्क्रीन पे। नहीं मालूम, वहां पर कोई भी बता देते खान साहब का घर कहाँ है बोले तो बता देने वाले नहीं, लेकिन अभी नहीं, 2 साल के बाद में, क्योंकि अभी शादी का प्लान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कुछ गोल्स को लेके चल रहा हूँ मेरे लाइफ के, उसमें मैं रीच होने वाला इंशाल्लाह जल्द से जल्द। उसके बाद जैसा मेरा गोल रीच हो जाएगा या फिर उसके रास्ते में भी चले गया मैं, तो वहां पर ही मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं शादी करने वाला हूँ, चाहे वो 6 महीने लगने दो, 8 महीने, 1 साल या 2 साल, अगर रीच हो रहा हूँ तो वहां पर मैं सडन शादी कर ले सकता हूँ। अगर शादी हो गई तो आप आपके अहलिया को पहला डेट मतलब उमरा पे ले लेके जाते? बिल्कुल, फर्स्ट उमरा को लेके जाता हूँ इंशाल्लाह, आमीन करे भाई इंशाल्लाह। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है इमरान भाई, और अल्लाह को गवाह रख के बोलता हूँ, अल्लाह ताला आपको मेरे से पहले कामयाब करे, और मैं आपको कामयाब देखना चाह रहा हूँ मैं, क्यों बोले तो जो चीज से आप दर्द सहे वो मैं देखे हुआ हूँ, खुला मेरे आंखों से देखे हुआ हूँ आप पर, कभी किसी को भी बुरा नहीं बोले मेरे सामने, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोले भी होंगे मेरे सामने आपके बारे में, पर आप कभी नहीं बोले उनके बारे में, ये मैं खुद देखे हुआ हूँ। बोले भाई बुरा बोलो आप मेरे को, नको भाई आप मार देते जाके लोगों को नहीं वैसे भी मेरे बारे में बुरा बहुत सारे लोग बोलते, क्योंकि जो मेरे को पहचाना, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करा, उन्हें बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि हर इंसान के अंदर बुराई रहती है बेशक, लेकिन मैं खुद को ये बोलता हूँ कि मैं वैसे बुराइयां नहीं करा जो एक्चुअली बुराई बोल सकते, बुराई तो हर कोई किसी की ना किसी करता। बुराई नहीं करे इमरान भाई, आप बस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, बस मैं बुराई किसी की करना पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि किसको मालूम कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो और अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा पसंद करता होगा, बेशक, तो बुराई किसी की भी नहीं करना चाहिए, और मैं बुराई करता हूँ भी नहीं, बस मेरे को कोई दिखा नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो मैं वहां से कट सीधा ऐसा टर्न कर लेता हूँ, रास्ता बदल लेता हूँ, बस उतना ही, वही से अपना उसूल। आपका वक्त ऐसा आने वाला है इमरान भाई, देखो बहुत जबरदस्त आने वाला है इंशाल्लाह, मैं आपको हर दुआओं में याद रखा मेरे, आमीन, जो मेरे खास रहते, यहाँ तक कि इमरान भाई मैं मेरे दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ, नाम लेके दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत डाल और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत डाल और खूब कामयाब कर,
और मेरे सगे भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला जो मेरे को लाइफ बता, आप प्लास्टिक के पेपर के प्लेनों से लेकर रियल प्लेनों तक बिठाया, तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों को मेरे दुश्मनों को भी वो वैसी जिंदगी देना बोल के। पर हर चीज नियत पे दारोमदार है, वैसा है समझो, जो नियत जैसी रहेंगी उसको वैसा आता आऊंगा। तो मैं एक किस्सा था इमरान भाई, एमीवे बंटाई बोल के एक रैपर है जो आप जानते हैं, तो वो बंदा बहुत हाइप पे चल रहा था, बहुत लैमलाइट पे चल रहा था एक से दो तीन साल पहले। तो एमसी स्टैंड को ने बहुत बुरा बुरा बहुत बोलता था बेचारे का, जब पैसे नहीं रहते थे, कपड़े नहीं रहते थे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखा बेचारे को। पर मैं जब मेरे दोस्तों को बोलता था, अरे एक दिन ऐसा टाइम आता एमसी स्टैंड का, दुनिया देखते रहेंगी बाप बोल के बोलता था, ऐसा सपोर्ट कर लेता था। हालांकि उन्हें मेरे को जानता नहीं जानता, मेरे को नहीं मालूम, पर अपन देखे हुए उन्हें, हालांकि मियां भाई का नाम सुनाई चुंगा, ऐसा कौन सा शख्स नहीं है बिल्कुल जो मियां भाई का नाम नहीं सुना। से ज्यादा व्यूज है आपके गाने, तो उसके लिए बोलता था मैं। फिर हालांकि उन्हें कौन है मैं नहीं मालूम, उन्हें रैपर है बोल के मालूम, बस उन्हें क्या करता क्या नहीं करता उन्हें, उसको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। मैं वैसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए तो हर हमेशा करता हूँ। ये आपकी अच्छा ही है माशाल्लाह, और मेरे को भी बहुत खुशी होती जब आप ये सारी चीजें बोलते करते, और मतलब एक्शंस आपके समझ में आते, लोगों के एक्शंस अलग रहते, बातें अलग रहते, तो दोगलाइज बोलते उसको, तो आपके एक्शंस और आपके बातें सब मैच करते, तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती मिलके। इमरान भाई आप मतलब जो पहले बॉन्ड था यूट्यूबर्स के साथ, तो अब है या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता, वो आप जानते हैं, तो मैं तो पर्सनल मतलब आपके दिल के अंदर घुस के तो नहीं देख सकता हूँ कि इमरान भाई कौन से चीजों से गुजर रहे, बल्कि तो मतलब पहले मिलते थे, करते थे, कॉल्स होते थे, बातें होते थे, रात भर फिरते थे, फॉर्म हाउस को जाते थे, उसमें मैं भी एक शामिल रहता था हमेशा आप लोगों के गुफ्तगू में, महफिलों में। तो अब अगर आपको ऐसे कॉल्स आ रहे अभी, या फिर सिर्फ फ्लाइट हो गया, अरे नहीं पूरे दूर हो गए, या फिर मिलके रहते कभी कभी? मैं बोला ना आपको, कई सारे दोस्त आए, कई सारे दोस्त गए लाइफ में, लेकिन मेरी आखिरी दोस्ती जो थी ये टीम किराक हैदराबादी स्कीज थी, उसके बाद मैं दोस्त नहीं बनाया मैं, क्योंकि जब भी दोस्त बनाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता। तो आते कॉल्स अभी भी, काम से रिलेटेड आते, कुछ काम है तो आते, कभी किसी का दिल बोल लिया, याद आ गई तो आते, ऐसा नहीं है रेगुलर बेस पे तो नहीं आते कॉल्स अब तो है। सबसे मतलब मेरा खुला दिल है, मैं मतलब जो भी दिल में था सब निकाल दिया, किसी के लिए भी कुछ भी रख लिया नहीं मैं दिल में ना, शायद मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि मेरे लिए भी कोई रख लिए नहीं होंगे दिलों में, क्योंकि मैं सबके लिए दिल में से निकाल दिया। बस एक चीज मैं ये करा कि हर इंसान किसी के लिए मतलब किसी को माफ कर देता तो उसके साथ उठता बैठता टाइम स्पेंड करता, तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ वापस, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है अगर मैं फिर वापस टाइम स्पेंड करा समझो फिर दर्द मिल गया तो दिल को फिर एक अलग जैसे जितना रखना है बॉन्ड बस उतना ही रख रहा हूँ भी तो, लेकिन है दोस्ती मोहब्बत हर चीज वही चीज आज भी, बस खाली क्या दूरी इख्तियार इसलिए करना है क्योंकि सबके अपने अपने बिजी शेड्यूल हो गए, सबके अलग अलग मसरूफियात हो गए, तो अपन भी बिजी उन्होंने बिजी। सही है इमरान भाई। तो इमरान भाई और क्या है, आप जो है इमरान भाई, आप बॉडी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते या फिर बच्चे आपके तरफ अट्रैक्ट होना बोल के बनाते? नहीं, मैं आज तक किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ना कपड़े पहना ना बॉडी बनाया, मेरा दिल जो बोलता है मैं वो करता हूँ। मैं बॉडी बनाने का रीजन ये है कि जैसे कि आप बोले थोड़ी देर पहले डिप्रेशन में आए क्या कभी, तो जब शहबाज खान से मेरी दोस्ती ब्रेकअप हो गई थी जी, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो वो टाइम पे हम लोग एक दूसरे के साथ काम करना छोड़ दिए थे, ये उन्होंने, मैं डिसाइड करा था कि मैं नहीं करता हूँ, उन्होंने तो मेरे को दो तीन बार बोले भी करो बोल के, लेकिन मैं नहीं करा। तो जब 2020 में सडन हम लोग काम रोक दिए थे, तो वो टाइम पे मैं जिम स्टार्ट करा था, तो वो टाइम पे जिम स्टार्ट करा तो करा, लेकिन वो टाइम पे मैं डिप्रेस था थोड़ा सा, और उन्होंने भी थे वहां पर, क्योंकि एक दूसरे की दोस्ती खत्म हो गई, क्योंकि ऐसी दोस्ती थी हमारी 24 घंटे साथ रहना, 3 टाइम का खाना साथ खाना, एक ही घर पे सोना, उन्होंने तो मेरे घर पे नहीं आते थे ज्यादा, मैं उनके घर पे रहता था, उनके अम्मी खाना बना के देते थे खाते थे, मतलब एक बहुत अलग क्लोज बॉन्ड था हम लोगों का। तो वो टाइम पे जो दोस्ती मतलब इतने खास दोस्त था ना थोड़ी गया, तो एक रहती तकलीफ, उनको मेरा पर्सनली कुछ भी नहीं था, मेरे से कुछ नहीं था, मेरे को उनसे कुछ भी नहीं था, बस काम को लेके चॉइस हुई चीजा, कोई पर्सनल चीजों को लेके हुआ नहीं।
तो जब वो दोस्ती खत्म हो गई थी, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस होके मैं सोचने पड़ गया था, अरे क्या करूं मैं, ऐसा हो गया दोस्ताने में, ऐसा हो गया तो रहता ना भाई जी। सिर्फ लड़की से ब्रेकअप होना, उसके बाद डिप्रेस होना, वो अलग चीज है। लड़कों की खास बात है, मेरी खास बात है, अगर मेरे से किसी की दोस्ती खराब हो गई तो मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, बहुत दिन तक सोचता हूँ। तो उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करा था, जब जिम ज्वाइन करा मैं, तो मेरे दोस्त, मेरे ट्रेनर हबीब उस्मान, उस्मान चाउश हमारे, उस्मान अल रफाई रफाई, तो मेरे बचपन से दोस्त थे उस्मान चाउश, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट करे वो टाइम पे। मेरे को बोलते थे, अरे मियां छोड़ो लाइट लो, तुम हो गया गया, तुम्हारे दिल में नहीं है ना आप करना कुछ भी काम, आप नहीं कर रहे, छोड़ दो, वर्कआउट करो बोल के डेली सुबह में जिम कराते थे मेरे को, एक एक सेट उन्होंने उनके हाथ से मेरे को वर्कआउट कराए। मैं पहले से बचपन से जिम लवर हूँ मैं, लेकिन प्रोफेशनली वर्कआउट में स्टार्ट करा उनके हाथ पे। आज ये बॉडी जो बनी सिर्फ उनकी वजह से बनी, बेशक मेहनत करना पड़ता उसके वास्ते, वो मेहनत पूरा 100% दिया हमें, लेकिन किसी को बनाने में एक इंसान का हाथ होना जरूरी रहता, तो मेरे को बनाने भी डायरेक्टर होना पड़ता, मतलब समझ रहे आप। सिर्फ दोस्ती से रह के दोस्त कर रहा बोले तो वो अलग चीज है, फिर उन्होंने बोलता अरे मैं था बोल के वाह बोलता हूँ, तो हर चीज में दोस्ती काम नहीं आती। जैसे एक्टर के लिए डायरेक्टर होना पड़ता, वैसे बॉडी बिल्डर के लिए उसका ट्रेनर होना पड़ता, तो वो ट्रेनर एक बड़े भाई के जैसा मेरे उस्मान चाउश जो मेरे को ट्रेन कर रहे थे, वो टाइम पे मैं वर्कआउट करके मार मार के गुस्से में वर्कआउट करता था। तो शहबाज भाई के साथ दोस्ती खत्म हुई, शहबाज भाई के साथ दोस्ती चली गई मेरी, बल्कि नहीं मतलब दोस्ती खत्म होने के बाद एक रहता ना, तो वैसा सोच के मैं वर्कआउट गुस्से में, मतलब ये ऐसा कहीं को हो गया कि बोले जैसा। तो मैं वो टाइम पे बॉडी बनाना स्टार्ट करा, जब मेरे बॉडी में इंप्रूवमेंट्स आ रहे थे एक डेढ़ महीने में, दो महीने में, तब मैं बहुत खुश हुआ था, अरे क्या बन रही बॉडी, और करेंगे और करेंगे, आंखों से आंसू निकल रहे। अब तो शादान निकलते कि शादान के पांच अपने छह बोलना है। नहीं, शादान के सामने जिम है, लेकिन आज तक मेरे को शादान के लड़कियां देखे होंगे, मगर मेरे को नहीं मालूम देखे कि नहीं देखेगी बोल के, लेकिन मेरा जिम शादान के सामने से, मगर आज तक मैं बोल रहा हूँ आपको, यकीन मानो मत मानो मेरी बात का, मैं कभी वो रोड से गुजरा तो मेरी गाड़ी के सामने से नजर रहती, मैं इधर उधर भी नहीं देखता, मैं चले आता हूँ सीधा, क्योंकि ये सब क्या है बोले तो, एक टीन एज में अच्छा दिखता था ये, जाना फुल रोजा देना, देख रही क्या देखना, उन्हें देख रही क्या देखना, डेली एक उन्हें आज दिखी तो दूसरी कल दिखती, ये सब टीन एज के काम थे। लेकिन अब अपन को ये समझ में आ गया कि सब बेकार है, टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि देख लिए अच्छी दिखी हाय हेलो बोल लिए खत्म, यहाँ देख लिए अच्छी दिखी हाय हेलो बोल लिए खत्म, वो उतनी देर का ही मजा है, एंजॉयमेंट उतनी देर का ही है वो, उसके बाद क्या है बोलो। अब आपके पीछे बैठे वाले हैं भाई हेलो बोलने वाले, अब कहाँ सामने आए हेलो बोलेंगे आप। नहीं मतलब एक बता रहा एक बात भाई, तो मैं इसलिए किसी को भी नहीं देखता हूँ, मैं बोला ना आपको वन मैन वुमेन हूँ, वन वुमेन मैन हूँ। सलमान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ मैं बोल के शादी नहीं करने की। हाँ नहीं वो तो रिकॉर्ड टूट गया ऑलरेडी, लोग बोल रहे भी भाई सलमान खान बन गए तो मैं हैदराबाद की शादी नहीं कर रहे, 28 साल वो ज्यादा हो गया भैया। भाई आप 28 के नहीं होते भाई, फिर 32 का दिख रहा हूँ, आप मेरे से एक साल बड़े नहीं रह सकते। आप 27 के जी? हाँ तो मैं 95 पर मैं 27 का नहीं, तो आज भी मैं कपड़े पहन लेके चली या बैग डाल लेके तो इंटर का फुट्टा दिखता हूँ मैं। तो भाई मैं कितना बड़ा दिख रहा हूँ, मैं एज तो छुपाता नहीं भाई, मेरी कौन सी भी चीज मैं नहीं छुपाता हूँ, आप भी ना को छुपा हुआ भाई, मैं बराबर बोल रहा ना भैया। हाँ भाई 94 भी है बोले तो 28 होते ना, 29 होते, 30 साल के बच्चे बोलो भाई, शादी के बाद बूढ़े होते। चलो 29 समझो मेरी चाल। अगर मैं एक बात बोलूं इमरान भाई, कसम खुदा की अगर आप और शहबाज खान अगर एक बार स्क्रीन पे आ गए, कभी काम कर लिया, एक वीडियो बन गया ना, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 24 घंटे में 1 मिलियन मारता वो वीडियो, ये पूरे यूट्यूबर घरों को चल जाते, फिर लिख के दे रहा हूँ ये बात मैं। पूरों के दुकान बंद हो जाते। आप और शहबाज खान का एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे, आप लोग पूरे मिलके वीडियो बनाए थे शहबाज भाई के ऑफिस पे, वो वीडियो पे इतने कमेंट से सिर्फ अरे भाई मिल गए क्या भाई, माशाल्लाह मुबारक, बहुत सारे लोग खुश हुए थे, लोग आज भी बोल लेते, बहुत सारे लोग मेरे को भी पूछते कि अरे भाई इन दोनों कहीं को नहीं मिलते, नहीं मालूम भाई मेरे को, इन लोगों का पर्सनल है मेरे को नहीं मालूम, बोल देता हूँ, पर सबसे ज्यादा यूट्यूबर आज खुश थे कि आप दोनों अलग हुए बोल के। वो तो होंगे ना भाई, क्योंकि एक एक बिजनेस की जो लाइन रहती उसमें एक ही दुकान चल रही खाली, पूरे जने मच्छरा मार रहे बोले तो उसको कैसा भगाना बोल के देखते लोग आजकल। ऐसा इमरान भाई, एक सामने वाले की गोश्त की दुकान सही चल रही तो और एक डाल ले रहा। मैं जब रैपिंग में फेमस हुआ था
तो इतने रैपर पैदा हो गए, इतने रैपर पैदा हो गए, जैसा मैं म्यूजिक छोड़ा फिर एक भी गाना नहीं आ रहा। उसमें से 5-10-15 रैपरों में से 10 रैपर तो मेरे को डिस करते थे। मैं बेचारों को रिप्लाई भी नहीं करता था। अच्छा, तो आप जब ये फील्ड छोड़ दिए तो उसमें कुछ बैकअप गाने थे और आपके पास? हाँ, मियां भाई पार्ट 2 था और माशाल्लाह बोल के एक गाना था, और बिग बॉस में जाने वाला था मैं। जनवरी में मीटिंग थी सलमान खान के साथ 2022 जनवरी में, पर मैं सबको लाइट लिया। अल्लाह ताला उससे बड़ा मौका देगा मेरे को, वो चीज के लिए सबर करो। और आप देख सकते भाई के पास कितना सबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग आए दुनिया वाले, मेरे साथ स्कैम हुआ था, कितने मजा लिए। इतना तो बोल सकते इमरान भाई, मेरे साथ स्कैम हुए, खुद मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था मैटर मेरा। अपना बोलने वाला मजा ले रहा था, आज मैं हंस रहा हूँ, खुश हूं मैं। आज मैं उसको परेशान देखता हूँ, आज उसको परेशान देखता हूँ मैं। क्यों लोगों को क्या मिला था कि बाप इतना ये हरकत करे, आज औकात बता दिए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं, इंसान को लाइफ में बुरा वक्त आना है इमरान भाई, जब इस मालूम होता कौन अपना है कौन पराया है। बराबर, बुरा वक्त आने पे उल्ला क्या सोचते हैं इमरान भाई लोग, हाँ उन्हें कुछ भी नहीं रहे, बस उसके साथ कहीं करो। उसमें मालूम हो रहा तेरी औकात कितने की है, तो चंद पैसों में बिक जाने वालों में से एक मेरे साथ भी है। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जब अपन लाइमलाइट में थे, जब अपने साथ दोस्ती नहीं टूटी, जैसा अपन थोड़ा डाउन में मार्केट में, इन्हें गाना छोड़ दिया, अब क्या रहते इसके साथ छोड़ रहेंगे नहीं। बहुत दिली तकलीफ दी अपन, अल्लाह से बात कर लिया, बस अल्लाह पे छोड़ दिया मामला, अल्लाह देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, चाहे वो अपना रहो पराया रहो, मेरा तो एक ही मकसद रहता है इमरान भाई, जो मेरे को याद करता हूँ मैं उसको याद करता हूँ। बेशक सही बात है वो, क्योंकि अपन को जहाँ पर अपनी वैल्यू है वहां पर ही रहना चाहिए। जो मेरे को याद नहीं करता तो कोई भी रहने दे, बाल खां रहने दे, सलमान खां रहने दे, कोई भी रहने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ अच्छे लोग भी रहते जो दिखाते नहीं कि मैं ये करा बोल के, तो ऐसे लाइफ में मेरे बहुत सारे लोग भी है जो बहुत अच्छा सपोर्ट करे मेरे वास्ते, जो कभी जताए नहीं कि हम ये करे हम ये करे बोल के। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती मालूम, एक एक्टर की, बीइंग एन एक्टर और फेमस पर्सनालिटी और पब्लिक फिगर, कभी दोस्त को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती रहती इंसान की। मैं तो खबरी कामा कर देता पूरे खबरी कामा भी कर देता हूँ, अपने आप को भी एक्टर समझता। हाँ, मैं भी कुछ हूँ बोल के आ जाता, मेरे भी फॉलोअर्स है बोल के आता, हर चीज आ जाती। तो एक चीज मैं एक्सपीरियंस करा के, अपने जो खास रहते हैं उन लोगों को खास अगर आखिर हमेशा के लिए रखना है, तो अगर आप एक्टिंग फील्ड से तो उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब इन्वॉल्व कर लेते जब उसके अंदर भी वो आ जाता कि अरे भाई मैं भी अब कुछ बन गया, समझ रहे हो। पर इमरान भाई जो ऐसा इंसान जो सोचते ना, जो मतलब अपने को देख के जो अपन ने थोड़ा रोल ले लिए, रोल दे दिए समझो 5 मिनट का, तो जब उन्हें सोच लेता जैसा आप बोले कि अरे मैं भी एक्टर बन गया, तो जब इमरान खान इम्मी साथ रहेगा तो जो उसको इज्जत मिलेंगी, जब इमरान खान इम्मी नहीं है तो उन्हें कौन है उसको पहचानते भी नहीं, चल बे चल रहे भाई साइड से जा बोलते सीधा। फैक्ट बात है ये, तो ऐसी बात है। तो लोग भी ये सोचते होंगे, मतलब मेरे साथ भी जो लोग रहते थे बराबर, जब रुहान अर्शद नहीं है तो उन्हें लंगाई छे, फिर बराबर उन्हें डेकोरेशन हुआ बोले तो रुहान अर्शद के नाम से, बराबर बराबर। जब अपन नहीं है तो उन्हें कुछ भी नहीं है। जब एक घर में अलमारी रखे भी है, चारों दीवारों में बंद है अलमारी, तो वो अलमारी की वैल्यू रहती है बेशक। जब दीवार सब हटा दे कर दे के हटा के खाली अलमारी रख दिया ना, तो कचरे की वैल्यू रहती है। हाँ। तो लोग कचरा समझ को उठा के लेके भी चले आते उसकी। तो दीवार पिलर बनाना एक जो मेकर रहता उसका काम रहता, अंदर चीजों की वैल्यू जब रहती जब घर का दरवाजा बंद रहता, पूरी दीवार तोड़ दो छता अब ये कचरा दिखता पूरा। तो वो एक मिसाल दे रहा हूँ बस, कि दीवार और छत की वैल्यू वो रहती जो आप और मैं बनाते। बेशक इमरान भाई, मैं तो आपको करीब से देखा इमरान भाई कि आप जाहिर नहीं करे मेरे साथ मेरे सामने आज तक कि मैं तकलीफों से गुजर रहा हूँ, वो आपके चेहरे से मालूम हो जाता था मेरे को कि अरे बंदा कुछ तकलीफ में है बाप बोले जैसा। पर मैं ये भी नहीं पूछ सकता कहीं बोले तो मैं पूछने से फिर कुछ अलग वो हो जाएगा भाई बोले जैसा, मैं फिर बाद में खामोश हो जाता था, अपन दिल से दुआ दे लेते थे अल्लाह ये बंदा परेशान है, ये बंदा परेशान से। एक ही गलती रही मेरी कि मैं किसको भी मतलब सुना तो नहीं अपनी दास्तान, जो भी तकलीफ है दुख है मैं नहीं सुना के अपने आप में रख के उसको वहीं खत्म कर देता हूँ।
अगर सुनाने बैठा तो फिर उसमें और मेरे फर्क नहीं रहता, जो मेरे बुराइयां करता जाके मैं किसी और करा तो क्या फर्क रहेगा बोलो। सही है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। मेरे बारे में बुराई तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी रहते, थोड़े थोड़े अलग फील्ड के भी रहते, बहुत सारे लोग करते बुराई, लेकिन जब हकीकत में मालूम हो जाऊंगा कि मैं कैसा हूँ तो बुराई तो दूर की बात, जिंदगी भर मुरीद बन जाना। इमरान भाई तुम तो इमरान भाई ऐसा कौन सा भी यूट्यूबर है मतलब उन्हें आपको दिली तकलीफ दिया, जिसको आप मेरे शो के जरिए से बेटे तेरे को बताता हूँ बाप मैं आने वाले टाइम पे बोलने के लिए? नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है यूट्यूबर्स में, तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई आगे से ऐसा फील करता कि अरे आज इन्हें मेरी वजह से ऐसा लाइट हो गया मसला इसका, कोई देख ले कि ये सोच ले रहा हूँ अरे इन्हें अब कुछ भी नहीं कर रहा, तो उन लोगों को तो जवाब देता हूँ मैं, काम से देता हूँ, आवाज से तो नहीं देता हूँ इंशाल्लाह, काम से जवाब देता हूँ इंशाल्लाह जब देखेंगे। और इसमें अपने लोग कोई नहीं सोचते ऐसा, जो भी अपने साथ काम करे वो लोग भी नहीं सोचते, मतलब जैसा कि अपने शहबाज खान है, जो भी अपने साथ काम करे वो लोग तो नहीं सोचते ये चीज, क्योंकि उन लोग की सोच कैसी है मेरे को मालूम है, लेकिन कुछ दूसरे यूट्यूबर्स होंगे जो सोच रहे होंगे, मजे ले ले रहे होंगे, अरे कुछ भी नहीं कर रहा, क्या भी नहीं कर रहा, तो उन लोग को जवाब काम से देंगे आने वाले दिनों में। यूट्यूब ही सब कुछ नहीं होता, यूट्यूब के आगे बहुत बड़ी दुनिया है, वो भी देखो कभी क्या हुई। मतलब आप इनडायरेक्टली ऐसा बोलना चाह रहे हैं इमरान खान इम्मी एक शेर है, क्या बोलते हैं, शिकारी है, सिर्फ आराम कर रहा, शिकार करना नहीं भूला, बोले जैसा मतलब है? नहीं, इमरान खान इम्मी एक ऐसा शेर है जो जंगल पे राज नहीं करता, जंगली जो शेर का है पूरा। क्या बात है इमरान भाई, जबरदस्त जबरदस्त बात बोले। इंशाल्लाह, बस क्या है वक्त के हिसाब से मोमेंट लेना पड़ता, तो अभी वक्त जो है फिलहाल शायद मैं स्लो जा रहा हूँ, मैं फास्ट अगर निकल गया बोले तो बहुत आगे तक चले जाता हूँ, तो मेरे को फास्ट जाना भी नहीं है, हल्लू हल्लू स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूँ मैं भी। आपको खुद पे भरोसा है इमरान भाई आपका दौर आने वाला है? मेरे को ऐसी पॉजिटिव वाइब आती कभी कभी कि एक ऐसे मुकाम पे जाऊंगा एक दिन कि लोग तरसेंगे कि भाई मेरा ये काम करा दो ना, अरे भाई जरा वो कर दो ना। इंशाल्लाह मेरे को कॉल आएंगे दूसरे यूट्यूबर आएंगे, भाई जरा इमरान भाई फोन नहीं उठा रहे, जरा बोलो ना भाई रोहान भाई प्लीज। नहीं वाकई में बहुत जल्दी आएगा वो टाइम, और मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ टाइम का। लोग ये नहीं सोचते इमरान भाई कि अरे इन्हें खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है मालूम गाइस? जो इंसान एक बिजनेस में लॉस हो गया समझो कि इसका मतलब ये नहीं उन्हें फिर बिजनेस में उन्हें हाइप में नहीं आ सकता बोल के, कुछ लोग आ रहते हैं बिजनेस में लॉस होते हैं आजकल कुछ भी नहीं आप लाइट लियो उसको बोल के, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस एक इंडस्ट्री का, इंसान को अल्लाह ताला बिजनेस में इसलिए लॉस करता है एक इंसान को कि अल्लाह ताला उसको आजमाता, उसके बदले में जब एक इंसान को साइकिल छीन लेता ना तो रोल्स रॉयस देता, ये नहीं मालूम रहता पब्लिक को, पहले जो औकात बताते थे लॉस होते कि एक इंसान। इंशाल्लाह वैसा वक्त आने वाला है, आजमाइशों से गुजर रहे हर कोई, अल्लाह ताला हर यूट्यूबर को कामयाब करना मेरी एक दिली दुआ है, दिली दुआ है कि हर यूट्यूबर को कामयाब करे अल्लाह ताला। ना इमरान भाई को हेट है ना मेरे को किसी पे हेट है, बस इमरान भाई का मेरा और जितने भी अभी खास हम लोग फिर रहे उन लोगों का और हर यूट्यूबर का होगा भाई के भाई उन्हें याद करा तो मैं याद करता हूँ, वैसे ही मेरा भी मसला, मेरे को कोई भी याद करे तो याद करता हूँ, क्योंकि हर बार कौन जाते भाई, कभी सामने से भी आना खत्म। क्या इमरान भाई बिल्कुल अपन अल्हम्दुलिल्लाह है दिल से नहीं ईमान से एक बात बोलते, मेरे को किसी के लिए किसी के लिए हेट नहीं है, क्योंकि अपने पास उल्टा टाइम ही नहीं है कि किसी के लिए हेट रखेंगे, किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, अरे भाई नहीं कामयाब नहीं होना, इन्हें इधर ही रहना, हमारी अटके हुआ रहना, ये ईमान से बोल रहा हूँ, मेरे दिल और दिमाग में ये बात आती भी नहीं, तो एकदम प्योरली दिल से बोल रहा हूँ ये बात, किसी के लिए भी 1% का हेट नहीं रखा मैं जिंदगी में, बस थोड़ा गुस्सा रहता लोगों के ऊपर, वो गुस्सा रहना जरूरी भी है, तो कभी कभी रहता था समझो गुस्सा रहता, किसी को देखे तो अच्छा नहीं था, अरे जान दे रहे भाई हट बोले सर का, मगर हेट नहीं आता, वो हेट में नहीं आता, वो इसमें हेट का कुछ भी नहीं है, तो खुले दिल के हम लोग, रोहान भी वैसी से अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा भी वैसी से सोचना कि अपन किसी के बारे में ना हेट फैलाए ना कभी सोचे ना कभी करेंगे आगे जाके, और लोग तो रिग्रेट करने ही वाले कैसा भी,
कि अरे भाई काश अपन साथ में रहना था, वो तो वो वक्त आता ही जाता, वो हर इंसान पे, अगर मैं किसी को छोड़ा ऐसा तो मैं भी रिग्रेट करूंगा कि भाई नहीं करना था वैसा। और पर इंशाल्लाह मेरी तो एक एज ए फैन एज ए व्यूअर एक दिली ख्वाहिश है भाई आप और शहबाज भाई साथ में काम करना, बल्कि धूम मचा दे सकते बॉस तुम लोग। इंशाल्लाह काम तो करेंगे, लेकिन मैं भी आपको बोला देखो शहर तुम लोग का है, यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे को, तो काम करने का कुछ नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह काम, तो काम करेंगे कुछ अलग अलग कंडीशंस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यूट्यूब तो वेस्ट है भैया, छोड़ दो भैया, तुम लोग अभी यूट्यूब बेकार है, एकदम चीप हो गया यूट्यूब हैदराबाद का। करो लेकिन हमें महीने में एक बार डालो, बेकार हो गया। तो खैर बस यही था बोलना, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से मेरे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरे से कुछ गलती हो गई आप लोगों को देखने करने में, या फिर जो भी, अगर पर्सनली अगर मैं किसी का दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी, कैमरे पे बोल रहा हूँ मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो बैगन में मिला देता हूँ, बैगन पलट के नहीं देखता हूँ एक सेकंड के वास्ते। मेरा भी एटीट्यूड वही लेवल का है, तो अगर किसी का दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी। दोस्ती की बात करो, स्पेशली दोस्ताने में, कोई दोस्त का अगर मैं दिल दुखाया तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। अगर तुम होना बोल के मेरे साथ दिल दुखा रहे मेरा बोले तो मैं बैगन में मिला देता हूँ, खुली बात। बैगन में क्या केरिश नहीं करता हूँ मैं, कोने की रे वो जा बोले सर का, तो वैसा है अपना। और रही बात जो भी है फैमिली प्यार व्यार जो भी रहता, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। इमरान भाई ऐसा कहीं कोई सा भी हादसा हुआ आपके साथ, ईद का दिन है बकरीद का, घर में बकरा काटे कुर्बानी दिए, ऐसा जाते जाते एक जना आपको क्या बोलते दिल तोड़ दिया, मतलब उससे कौन सी भी चीज से नाराजगी है, पर आपको देना दिल बोले जैसा दिखा, उन्हें आपको गली का नहीं दिखते कि ऐसा अंजान मार दे लाइटली उसको नहीं देना है गोश्त की पैकेट बोल के सीधा दूसरी दिल्ली में गए जैसा हो ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, अगर है किसी से दिल टूटे अभी तो उस तक मैं ईद के दिन तो मैं मिला भी, जो भी फॉर्मेलिटीज रहते वो पूरे भी करा। और इवन मेरी शहबाज भाई की जब बातचीत बंद हो गई थी जब वो टाइम पे उन्होंने मेरे घर पे हिस्सा भेजे, मैं उनके घर पे हिस्सा भेजा, भेजे मतलब जाके नहीं दिए, फिर मिले रात में भी। हिस्सा भेजने का काम छोटे भाइयों का रहता घर के, तो लोग दे लेते कर लेते, मतलब पैकेट छोटी आई तो छोटी भेजने, बड़ी आई तो बड़ी भेजे। अब उनके पास बकरे कटते, हमारे पास बकरा भी कटता, तो अगर हिस्सा भेजा लिए तो मैं भी मिलता उन्होंने मिलते, लेकिन ईद के दिन तो हम लोग मिले। और यहाँ तक कि उन्होंने भी आए थे मेरे घर पे, मैं भी उनके घर पे ही आता। तो एक बता रहा हूँ मैं एक बात, कि अगर नाराजगी रही तो नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन जो मोहब्बत है मोहब्बत है वो मोहब्बत एक तरफ। तो है अच्छे खासे मेमोरीज भी हम लोग के, और ऐसे है मतलब अपन खुले दिल के। तो गाइस देखो दोस्ता मेरे जितने भी दुश्मना है तुम ला दुश्मनी एक तरफ रखो, बकरीद में मेरे को भी गोश्त भेजो जैसा शहबाज भाई इमरान भाई भेज लेते हैं, नाराजगी है तो भी गोश्त भेज ले रहे, देखो मेरे को भी गोश्त लाके दियो रहे भाई तुम लोग। तो बस अल्लाह सलामत रखे भाई शहबाज भाई की और इमरान भाई की दोस्ती, और इंशाल्लाह ताला अगर वक्त अल्लाह ताला दोनों के दिलों में मोहब्बत गहरी मोहब्बत डाल दिया तो इंशाल्लाह अंगार लगाएंगे शहबाज भाई और इमरान भाई इंशाल्लाह। तो इमरान भाई आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैं आपका। अरे नहीं मेरे को ही मजा आ गया, देखे देखे तक दो घंटे कहाँ चल गए मालूम ही नहीं हुआ। भाई कैमरामैन भी है बट ऐसा दिख रहा मेरे को कि इमरान भाई आज दिल खोल के बात करे जैसा दिखा, और मैं भी दिल खोल के हेटर बन के फैन बन के रुहान अर्शद बन के व्यूअर बन के क्वेश्चनर बन के मीडिया मैन बन के सब क्वेश्चन पूछ लिया, और इमरान भाई दिल खोल के डंके की चोट पे आंसर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आप एक प्याली चाय विद रुहान के शो में आए, और आप मेरे पहले गेस्ट है तो समझ सकते हैं आप मेरे पहले गेस्ट है तो आप मेरे दिल के कितने करीब है, और अल्लाह ताला आपकी मेरी दोस्ती सलामत रखे इंशाल्लाह, हर बुरी नजर से बचाए अपनी दोस्ती को अल्लाह ताला। आमीन इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आप मेरे शो में आप आए। थैंक यू सो मच, जो आप मेरे को स्पेशली पहले बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहान अर्शद इज अ वेरी ग्रेट एंड प्योर रियल पर्सनालिटी, और रोहान के साथ मैं जब भी मिलता था मेरे को बहुत खुशी होती है, और खासकर आज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि आज इन्होंने मेरे को अपने शो पे आज नहीं मतलब एक महीना पहले ही बोल दिए थे कि भाई मैं एक शो शुरू करने वाला हूँ, उसमें पहले कंटेस्टेंट पहले गेस्ट आप ही रहेंगे बोल के उन्होंने बोले थे, तो आखिर में आज वही चीज हुई। तो मैं स्पेशल फील कर रहा हूँ कि रोहान मेरे को फर्स्ट एपिसोड के लिए बुलाए,
अच्छा, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत सारे राजा भी खुल गए इसमें, और कई सारे बहुत सारे चीजें हैं जो खुले नहीं, जो आप पूछे नहीं वो मैं भी नहीं बोला। अगर कभी मौका मिला तो गाइस एपिसोड 2 भी बनाएंगे अपन एपिसोड 2 भी बनाएंगे। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, मैं जितना पूछना था मैं पूछ लिया मेरे दिल से, ये ना स्क्रिप्टेड था, मैं तो खुला इमरान भाई को जैसा आया इमरान भाई, मैं जो भी पूछने वाला हूँ ऑन कैमरा पूछने वाला हूँ। अगर अगर आप लोगों के दिल में कुछ क्वेश्चन है, भाई ये भी पूछना था रोहन अर्शद, आप बोलिए, कमेंट कर दो, इमरान भाई को फोन मार रहा हूँ मैं, इमरान भाई प्लीज आइए, चाय का चाय की प्याली और एक बार उठाना है बोल के आपको। तो इमरान भाई ये अपन कुछ लाइन में अपन ये शो खत्म कर देंगे एपिसोड। आपके हेटरों को, आपके चाहने वालों को आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। हेटर्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई हेट करो और करो, क्योंकि जितना हेट मेरे को देख के मजा आता ना, उतना मेरे को, आप लोगों को भी नहीं आता होगा मेरे को हेट करके, लेकिन मेरे को उतना मजा आता आप लोगों का हेट देख के, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करते हुए भी ट्रेंडिंग पे रहता हूँ, मेरे को बहुत मजा आ जाता देख के। और रही बात जो मेरे से प्यार करते हैं लोगों के लिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, जो आज तक आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं, जब मैं काम नहीं करा तो भी सपोर्ट करे, काम करा तो भी सपोर्ट करे, और मैं कुछ और चीज में भी हूँ जैसे कि बिजनेस में हूँ, तो आप लोग उसमें मेरे को सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ मैं रिवील करने वाला हूँ, मेरा बिजनेस आने वाला है, एक फूड रिलेटेड मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुड न्यूज दूंगा मैं। ऐसे आप लोगों का सपोर्ट बताते रहिए। और उसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को शुरू में बोला था, जब रोहन मेरे को पूछे थे कि आपके 5 अच्छाइयां, तो उसमें से पहली चीज जो है नींद में सोती है पहले नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद करना चाहिए, 5 वक्त करना चाहिए। लेकिन मैं जब अब देखो हम लोगों का मगरिब का टाइम हो गया, नमाज छोड़ गई, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, तो नमाज पढ़ने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज जो है अखलाक, सबसे बड़ी चीज है इंसान की। बहुत सारे बड़े बोलते हैं कि कपड़े अच्छे मत पहनो, लेकिन अखलाक जबान अच्छी रहो, तो अखलाक से इंसान का कैरेक्टर मालूम होता, नेचर मालूम होता। तो अखलाक अच्छे रखिए अपने, हर किसी के साथ अच्छा बात करिए, अच्छा सा रहिए, हर किसी को प्यार जताइए, और किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के राज रहे तो खोलना नहीं पब्लिक में, राज एक इंसान भरोसा करके राज बताता तो राज भी राज कैसा रखना। और रही बात फिर से हेटर्स की, तो भाई बराबरी करो, नहीं तो आगे बढ़ो ना, बराबरी कर सक रहे ना आगे बढ़ सक रहे, वो मेरे पैरों का नहीं सिर की आवाज ना दे रहे तुम लोग, तो पैरों का नहीं रहे कि क्या फर्क पड़ रहा है यार, थोड़ा ऊपर आओ, घुटनों तक तो भी आओ, नहीं तो कमर तक आओ, नहीं तो चेस्ट तक आओ, कहीं भी आओ, जरा मजा आता लड़ने में। तुम लोग 1% का कुछ रहता नहीं, खाली वो पेजा बना ले रहे, क्या खींच गालियां डाल ले रहे, वो 1% में केयर नहीं करता हूं। तो जरा कुछ अच्छा करो, कोई आपके शहर को प्रेजेंट कर रहा तो उसको और पुश करो कि और आगे बढ़ो, नहीं उल्टे काम करके गालियां ले ऐड कर देते, ये कर देते, वो सिर्फ जो देख रहा उन्हें भी गुनाह में पड़ रहा, और जो बना रहा उन्हें तो और बड़े गुनाह में। तो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना, बस ये एक चीज सोच के रखो, बस यही बोलना था। और सभी चाहने वालों को मेरा सलाम और ढेर सारा प्यार, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए आप लोग मेरे को इमरान खान ही यानी नीचे आईडी आ गई इमरान भाई की, और बाजुक में मेरी भी आ गई, देखो इमरान भाई का मेरे से ज्यादा फॉलोअर है भाई, क्योंकि दिल से चाहने वाले हैं, और बहुत सारे हेटर भी है माशाल्लाह से, इमरान भाई को देखते रहते भाई जान के आदाले वीडियो बोल के तो गाइस ये रहा देखो एक प्यारी चाय विद रोहन का शो, जो हमारे पहले गेस्ट थे इमरान खान इमी। तो इमरान भाई आपसे बात करके बेहतरीन दिखा मेरे को, और बहुत सीखने को भी मिला, बहुत कुछ आप राजा खोले भी माशाल्लाह से, जो आज तक नहीं खुले थे मेरे स्क्रीन के थ्रू खुल गए, मेरे शो के जरिए से खुल गए पूरे राजा। अगर आप लोगों के दिल में भी कुछ भी राज है तो आप लोग रोहन अर्शद के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते, तो इंशाल्लाह इमरान भाई एपिसोड 2 में भी आएंगे। तो गाइज ये रहा था एक प्यारी चाय विद रोहन शो के हमारे इमरान भाई गेस्ट। तो ये शो के स्पॉन्सर है MH व्हाइटनिंग क्रीम, जिसको आप लोग लगाइए और खुद जान जाइए और गोरे बन जाइए, वलीमों में फुल धूम मचाइए। तो ट्राई कर दो एक बार भाई, जरूर करिए। तो अगर आप लोगों को MH व्हाइटनिंग क्रीम खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन और ऑर्गेनिक क्रीम है, जिसको मैं भी यूज किया हूँ, और इंशाल्लाह इमरान भाई को भी एक डब्बा देता हूँ मैं, डब्बा नहीं पर ड्रम दे के भेजता हूँ मैं इंशाल्लाह इमरान भाई को। तो मिलेंगे अपन अगले एपिसोड के साथ इमरान भाई के जैसे बिंदास आर्टिस्ट के साथ। तो अगर आप लोगों को कौन होना नेक्स्ट आर्टिस्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए,
उनका नाम इंशाल्लाह अपन उन लोगों को इनवाइट करेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, मासलामा।